हाय मेरे प्यारे बच्चों बच्चों हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। हमने अभी तक डिस्कस किया है कि किस तरह न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने को लेना और उस खाने के जरिए उसको यूटिलाइज कर लेना। सिर्फ इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, सिर्फ खाना को मुंह में लेना ही न्यूट्रिशन नहीं है, बल्कि उससे एनर्जी हासिल करना, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस रिपेयर के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हासिल करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो हमने देखा था न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है, न्यूट्रिशन एनिमल में कैसे होता है, एनिमल की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन ह्यूमंस में कैसे होता है, हम में न्यूट्रिशन कैसे होता है हमने देखा था, अमीबा में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, पैरामीसम में कैसे होता है। हमने देखा था कि हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि बच्चों हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि हम जो भी फूड खाते हैं उस फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिंस, फैट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हमारा सेल एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं कर सकता है। हमारे बॉडी में कितने सेल्स हैं, ट्रिलियन सेल्स हैं, और हर सेल को एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, और वो एनर्जी उसको कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ फूड। तो उस फूड को उस सेल तक पहुंचाना है, ये तो काम है। तो वो जो फूड है कॉम्प्लेक्स फूड है बेटा, वो डायरेक्टली वो सेल उसको नहीं ले सकती है, है ना, उसको सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमने डिस्कस किया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ देना, है ना। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में, जो प्रोटीन्स है उसको अमीनो एसिड्स में, जो फैट्स है उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, और उसके बाद फिर ब्लड वेसल्स के जरिए, है ना, हमारी हमारे बॉडी का हर एक सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको हम लोग असिमिलेशन भी बोलते हैं, है ना, असिमिलेशन। असिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, मतलब क्या, जो भी काम की चीजें थी वो ब्लड के जरिए सारे सेल में पहुंच चुका है। लेकिन बच्चों आप कितना भी फूड बना लो और उसको कितना भी सेल तक पहुंचा दो, लेकिन उसको एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक कि हम सांस नहीं लेंगे। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस लाइफ का है, इसके बिना जिंदगी बिल्कुल नहीं हो सकती। आप बिना खाने के, बिना पिए के, बिना पानी के, है ना, बिना खाए पिए आप कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हो, लेकिन बिना सांस लिए, बिना रेस्पिरेशन के आप कुछ मिनट नहीं रह सकते, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, वो भी डिस्कस करेंगे बच्चों कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। जी हाँ, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग टर्म हैं। जी हाँ, दोनों का मतलब अलग अलग है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल समझिए, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। ब्रीदिंग इज एन एक्ट ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर एंड रिलीजिंग एयर इज नथिंग बट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है भाई, ब्रीदिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर, या टेकिंग एंड रिलीजिंग एयर बोल दो, टेकिंग एंड रिलीजिंग एयर, टेकिंग एंड रिलीजिंग एयर, ठीक है। हवा का अंदर लेना और हवा का छोड़ना, जिसको आप बोल सकते हो इट इज द एक्ट ऑफ इनहेलेशन, मतलब बेटा सांस लेना, इनहेलेशन का होता है एक बार हमने लिया तो इनहेल, फिर एक बार छोड़ा तो वो क्या होगा, एक्सहेल, एक्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, सांस लेना और छोड़ना ही क्या है, ब्रीदिंग है, ठीक है। अच्छा सर, रेस्पिरेशन क्या है, बस थोड़ा सा बताता हूं बच्चों, फिर डिटेल में इसको देखेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो भी आपने खाना खाया और वो खाना हमारे सेल में एब्जॉर्ब हो चुका है, वो काम की चीजें, फूड से जो हमको चीजें मिली हैं, अमीनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में मिला है, जो भी चीजें मिली है बच्चों, उस चीज के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा। फूड में जब हम ऑक्सीजन मिला देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या बर्निंग ऑफ फूड भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो जब फूड में ऑक्सीजन मिला देते हैं बच्चों, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और हमको एनर्जी हासिल होती है, एनर्जी हासिल होती है, यही है हमारा रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड या द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, किसी चीज में ऑक्सीजन को जोड़ने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेशन। सुन में आया,
रेस्पिरेशन क्या है, जो खाना है उस खाने को ऑक्सीजन मिलेगा, वो ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा बेटा, जब तक इस ये खाने को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ये एनर्जी हासिल नहीं होगा, और ये एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिना ऑक्सीजन के हम बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इस ऑक्सीजन को इस फूड तक लाने में कौन मदद करता है, यह प्रोसेस मदद करता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के बाहर, यानी कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना इज ब्रीदिंग। सांस लेना और सांस छोड़ना इज ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन क्या है बेटा, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जब वो ब्रीदिंग के जरिए जो ऑक्सीजन जब सेल तक पहुंचता है जहां पे फूड जमा है। ये सब कहां पे हो रहा है बेटा, ये सब सेल में हो रहा है, इसीलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो ब्रीदिंग जो है ना बेटा वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, आप इसको भी रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन हमको क्या देखना है, सेलुलर रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेलुलर मतलब क्या, सेल में हो रहा है, इसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, सेलुलर और इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल के अंदर हो रहा है ना। मतलब सिंपल समझो हो क्या रहा है, हमने खाना खाया, न्यूट्रिशन में हमने देखा था बच्चों कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट विजेस्ट सब हो गया, होने के बाद जो काम की चीज़ें हैं वो सेल में जाके एब्जॉर्ब हो गई है ना, किसके जरिए, ब्लड के जरिए, ब्लड वेजल्स के जरिए घूमते 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 हर सेल तक पहुंच चुका है। कौन, फूड, काम की चीज है ना, खाना, खाना पहुंच चुका है, उसको बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन। वो एसिमिलेटेड फूड का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो ऑक्सीजन से अब जुड़ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन जब उस फूड तक पहुंचेगा तब जाके एनर्जी मिलेगी और फिर वो CO2 देगा और फिर वो CO2 फिर से ब्लड के जरिए आएगा और फिर हम एक्सहेल कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को देखते हैं कि प्रोसेस होता कैसे। फिलहाल समझ में आया रेस्पिरेशन का मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस जिससे एनर्जी हासिल हो, लेकिन कैसे, फूड और ऑक्सीजन को मिला के। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या बाय बर्निंग ऑफ फूड, एनर्जी का हासिल करना फूड और ऑक्सीजन को मिला के, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो कि कहां पे होता है, हमारे सेल में होता है ना। सेल के अंदर भी ये कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल के अंदर भी बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपने 9th वगैरह में पढ़ा होगा कि हमारे सेल के अंदर एक पावर हाउस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस है ना। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो वहां पे ये कहानी होती है। खैर हम देखते हैं कि बच्चों की किस तरह हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि किस तरह हम सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं, कैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और फिर CO2 बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया है बच्चों, मैं जानता हूँ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट फिर भी एक्सप्लेनेशन आपको करने के लिए डायग्राम तो ज़रूरी है। चीज़ों को बहुत सिंपल वे में मैंने यहाँ पे बनाया है ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है हटके डायग्राम हो मेरा NCERT से, ताकि चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूँ। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में ये हमारा है नोज़। क्या है बच्चों, नोज़ आप सबको पता है भाई, नाक। ये इस नाक में देखो दो छेद है, ठीक है, दो होल है, उस होल को बोलते हैं हम लोग नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं, नाक में जो बेटा छेद है ना, मान लो ये दो छेद है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होते हैं, नाक के होल को बोलते हैं, ठीक। अब इस नाक के होल के जरिए बच्चों क्या जाएगा, एयर जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर होता है ना, हमारे वातावरण में एयर है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, है कि नहीं। ऑक्सीजन जो है वो 21% है ना बच्चों, जानते हो ना, 21% है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है ना, और CO2 जो है वो 0.04% है कि? तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंटेंट है एयर में। तो हम जो एयर ले रहे हैं ना, ये मत सोचना कि हम डायरेक्टली ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर में सारी चीजें हैं बच्चों, हम पूरा एयर इनहेल कर रहे हैं, बात को समझिए। मैं यहाँ पे पूरा आपको फ्लो चार्ट में बताऊंगा बच्चों, उसके लिए मैं ये चीज़ों को यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले नोज, ठीक है बच्चों,
नोज के जरिए एयर इंटर करता है, एयर जो है वो इंटर कर रहा है नोज, ठीक है, यानी कि नॉस्ट्रिल आप बोलो, नॉस्ट्रिल के जरिए जहां पे दो होल्स है नॉस्ट्रिल। उसके बाद बच्चों ये जो है ना, ये जगह मैं थोड़ा सा ग्रीन से बना रहा हूं, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं नेजल पैसेज, ठीक है ना। देखो ना, नेजल पैसेज बोलते हैं क्योंकि यहीं से एयर पास होगा, तो इसका नाम क्या लिख दूं मैं यहां पे, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, ठीक है बच्चों। अब वो एयर क्या हो रहा है बच्चों, इस नेजल पैसेज के जरिए आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। अभी देखो मैं बोलूं नोज और हमारा बक्कल कैविटी यानी कि माउथ बिल्कुल दोनों सेपरेट है, दोनों अलग अलग है, याद रखना। ये मत सोचना एयर और फूड मिक्स हो जाते होंगे, यहाँ पे नहीं, माउथ और देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम, ये चीज़, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा बोनी पैलेट, ठीक है, मतलब एक सर्फ, एक बिल्कुल शीट के जैसा, एक चदरा जैसा आप समझ लो, एक प्लेट है, ठीक है, बोनी पैलेट एक प्लेट है, जिस प्लेट के ऊपर वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे नाक है, नाक के अंदर का नेजल पैसेज है, और उसके नीचे क्या है, बकल कैविटी, मुंह है ना। मतलब ये नेजल पैसेज क्या करता है बच्चों, ये हमारे ये बोनी पैलेट क्या करता है, ये बोनी पैलेट क्या करता है, नेजल पैसेज और बकल कैविटी यानी कि माउथ को सेपरेट करता है, दोनों अलग अलग है। माउथ देखो बच्चों यहाँ पे माउथ है, ये है माउथ, तो माउथ और नेजल पैसेज दोनों सेपरेट है। देखो ये माउथ खाना यहाँ से एंटर करेगा, अगर मैं फूड की बात करूँ तो बेटा फूड जो होगा वो यहाँ से एंटर करेगा, फूड यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बेटा, ये फूड है खाना, और जो हमारा हवा है बच्चों, हवा वो यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है ये एयर। तो देखो ना, फूड और एयर बिल्कुल अलग अलग सेपरेट है ना, उन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, इसका नाम है नेजल पैसेज और इसका नाम क्या है, इसका नाम माउथ है, बकल कैविटी माउथ। तो ये दोनों बिल्कुल अलग है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक प्लेट है, एक हड्डी है, ठीक है, याद रखना, ये मत समझना कि दोनों कॉमन है, यहां से आते हैं लेकिन दोनों एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ये देखो, ये कॉमन पैसेज है, ये कॉमन पैसेज है, ये जो पैसेज है बेटा ये कॉमन है, यहां पे फूड भी आता है और हवा भी आता है, इसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है बच्चों, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पैसेज है, वहां से फूड भी इंटर करता है और एयर भी इंटर करता है, ठीक है। अच्छा, तो नोज के बाद बेटा कहां गया, नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, इस नोज में हमारे नॉस्ट्रिल में आपने देखा रहेगा छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स मौजूद होते हैं, उन हेयर का काम क्या है बेटा जी, एयर में सिर्फ गैसेस थोड़ी ना होंगे, एयर में तो डस्ट पार्टिकल भी हैं, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, गंदगी है, ठीक है। तो ये हमारा नोज है ना बिल्कुल काम करता है स्टेनिंग का, छानने का, है ना, जैसे चाय छानते हैं स्टेनर से, ठीक है, टी स्टेनर से, चाय छानने वाले से, बिल्कुल वैसे ये छानता है, गंदगी को छानता है, है ना। तो यहां से जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, इसका काम क्या है, स्मॉल हेयर्स का काम, इसका काम है इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स से ये हमको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। आपको पता है ना, देखो ना एटमॉस्फेयर में कितना गंदगी रहता है, आपने देखा रहेगा हमारे नाक में भी क्या गंदगी रहती है बेटा, है ना, बचपन में आप लोगों ने देखो ऐसा निकाल के, ओह माय गॉड, आप बोले सर क्या बोल रहे हो, ऐसे गोल गोल बना के फेंक देते ना, ओह माय गॉड, बहुत गंदी बात। चलो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ऐसा मत किया करो यार, गंदगी है। तो मैं कहने का मतलब पता चला ना आपको कि डस्ट यहाँ पे छन जाता है, यहाँ पे क्या है भाई, छन्ना है ना, छन्ना बोल लो आप। नोज एयर क्या करता है बेटा, ट्रैप करता है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है और फिर फ्रेश एयर को अंदर भेजता है। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा रहेगा हमारे नाक से बेटा लिक्विड में भी निकलता है, स्नीजिंग के टाइम पे भी जब छींकते हैं हम तब भी, कफ के जरिए तो मुंह से भी निकलता है, ठीक है, और स्नीजिंग जब छींकते हैं हमारे तो नाक से भी निकलता है, मुंह से भी निकलता है, गम टाइप है ना, जिसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं, नेटा, बोलोगे सर अब क्या बोल रहे है ना, नेटा निकलता है ना भाई। देखो इसमें शरमाने वाली बात है, नेचुरल है भाई, सबके पास होता है ये नेटा। खैर, तो बेटा ये जो गंदगी है, नेटा बोल लो, ये आता कहाँ से है, तो मैं बता दूँ, जो नेजल पैसेज है ना, ये नेजल पैसेज, यहाँ पे म्यूकस मौजूद होते हैं। म्यूकस क्या होता है, किस्टिक के सब्सटेंस। म्यूकस बेटा एक एंजाइम है जो हमारे बॉडी के बहुत अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग जगहों पे म्यूकस सिक्रेट होती है, जैसे स्टमक में
जो वहां पे स्टमक के वॉल पे जो सेल्स थे वहां से सिक्रेट हुआ था क्या म्यूकस, उसी तरह बेटा अलग अलग जगह से के सेल से है ना, अलग अलग जगह पे सेल से वहां से म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस क्या है, स्टिकी सब्सटेंस आप बोल सकते हो, कि नेजल पैसेज में क्या होता है, म्यूकस मौजूद होता है जो एक स्टिकी सब्सटेंस है, चिपचिपा, ठीक है। तो वो क्या कर लेता है, उसके साथ डस्ट पार्टिकल मिक्स हो जाता है। सोचो ना, कोई लिक्विड है और चिपचिपा है, उसके साथ अगर गंदगी डस्ट पार्टिकल चिपक जाएगा तो क्या बन जाएगा, वही आपका वो जो है ना, जिसको आप बोल रहे हो गंदगी, जिसको नेटा बोल रहे हो, वही नेटा जो है ना वो इसी से बनता है, स्टिकी सब्सटेंस। या तो स्नीजिंग के टाइम निकलता है, या तो आप खुद छींक के निकालते हो, जैसे भी नॉर्मली रिलीज करते हो, वो क्या है, वेस्ट मटेरियल। तो म्यूकस क्या करता है बेटा, म्यूकस भी उस गंदगी से हमको बचाता है। इसके अलावा फैरिंग्स में भी कहीं ना कहीं, फैरिंग्स में भी म्यूकस मौजूद होता है, म्यूकस मौजूद होता है। तो जब हम क्या करते हैं बेटा, स्नीजिंग करते हैं ना, छींकते हैं, मतलब मान लो अभी नोज के जरिए एयर गया, यहाँ पे हेयर, नोज हेयर थे, इसने गंदगी को ट्रैप कर लिया जो आपके यहाँ पे नाक में मौजूद है, फिर यहाँ पे म्यूकस चिपी चीज़ है, स्टिकी चीज़, वो भी क्या कर लेता है, उसको जो गंदगी डस्ट पार्टिकल को उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वहीं पर रहता है। फिर एयर गया, फिर यहाँ पे भी बेटा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा एयर यहाँ पे फ्रेश हो, तो यहाँ पे भी म्यूकस होता है। तो जब वहाँ पे अगर गंदगी पहुँच जाती है तो विद द एक्शन ऑफ कफिंग, जब हम कफ करते हैं तो एट द टाइम वो यहाँ पर जो गंदगी यहाँ तक जो आ जाती है, फैरिंग्स तक पहुँच जाती है, वो यहाँ से फिर प्रेशर के साथ डायरेक्ट हमारे मुँह के जरिए या नाक के जरिए निकल जाती है। तो ये तो हो गया स्टिकी सब्सटेंस। और जो क्या करता है बेटा, ये भी आप बोलो कि ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल को, गंदगी को क्या करता है, ट्रैप करता है। अच्छा, उसके बाद बेटा नेजल पैसेज के बाद फैरिंग्स में पहुंचता है। फैरिंग्स क्या है भाई, फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। आप बोलो फैरिंग्स क्या है, फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दोनों के लिए, एयर और फूड के लिए, दोनों के लिए सेम पैसेज है। यहाँ पे भी म्यूकस रहता है बच्चों, यहाँ पे भी म्यूकस की लाइनिंग होती है, ठीक है। और ये म्यूकस क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स है, इट प्रिवेंट्स, यहां पे लिखता हूं भाई फिर से, इट प्रिवेंट्स डस्ट पार्टिकल्स विद द एक्शन ऑफ कफिंग है ना, और स्नीजिंग है ना, खांसी के जरिए या छींक के जरिए जो गंदगी यहाँ तक पहुँच गई, वो छींक के जरिए, खांसी के जरिए निकल जाती है ना स्नीजिंग। देखो बहुत सारे बोलते हैं डस्ट से एलर्जी है, डस्ट देखते हैं उनको स्नीजिंग आ जाता है, मतलब क्योंकि डस्ट जैसे ही जाते हैं उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी क्या करती है, अपने आप स्नीजिंग और कफिंग करने लगती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। खैर यहाँ पे वो एलर्जी की बात भी मैं कभी डिस्कस करूंगा, फिलहाल चुपचाप समझो कि क्या हुआ, एयर, फिर से देखो धीरे धीरे चल रहा हूँ बेटा, वीडियो का लेंथ बड़ा होगा लेकिन चीज़ें बहुत क्लियर होगी और सारी चीज़ें काम की बात करूंगा, टाइम पास बिल्कुल नहीं। एयर जो है, हवा नोज में गया, हवा याद होता ना चाहिए क्लास में, हवा नोज में गया, यस सर, एयर इंडस्ट्री तो नोज में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हमको बचाते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाता है, नेजल पैसेज में, ये है हमारा नेजल पैसेज, ठीक है, जहाँ पे म्यूकस होता है, स्टिकी सब्सटेंस, जिसकी वजह से वो गंदगी फॉर्म होती है ना, स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा जो है। उसके बाद फेरिंग्स में पहुंचता है, जो एक कॉमन डक्ट है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। देखो ये बेटा फेरिंग्स में, यहाँ पे एयर भी है और फूड भी है, और वहाँ पर भी म्यूकस की लाइनिंग होती है, और ये भी क्या करता है, डस्ट पार्टिकल से बचाता है और जो गंदगी है उसको कफ के जरिए या स्नीजिंग के जरिए बाहर निकालता है ना, इट एक्सपेल्स द डस्ट पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ कफिंग एंड स्नीजिंग एक्शन। चलिए अब फेरिंग्स के बाद हमारा एयर इंटर करता है लैरिंक्स में, ठीक है बच्चों, ये जो मैंने बनाया है डब्बा सा, यही है लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलो, साउंड बॉक्स बोल लो, है ना। आपको पता है ये लैरिंक्स में ही प्रेशर कम ज्यादा क्रिएट होता है, जिसके से आवाज निकलती है। मैं जो बोल रहा हूं ना अभी, यहां पे आप दबाओ हाथ, बोल के बोलो, बोल के दिखाओ, यहां पे दबाओ, ज्यादा जोर से मत दबाना भाई, यहां पे आप प्रेस करोगे तो आप नॉर्मल बोल नहीं पाओगे, क्योंकि यहीं से साउंड क्रिएट होता है ना। आप आगे जब जाएंगे तो साउंड के बारे में जब डिस्कशन करेंगे, फिजिक्स के साथ जो आपको साउंड पढ़ाएंगे, तो बच्चों को वहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे प्रेशर की पिचिंग जो होती है ना, प्रेशर की पिचिंग वो अलग तरीके से होती है, और ये वोकल कोड यहाँ पे जो है, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, ये हेल्प करता है किसी भी चीज़ को बोलने में, और वो भी प्रेशर की वजह से होता है। मतलब वहाँ पे एयर का आना चाहिए, अगर एयर उसको नहीं मिलेगा तो आप बोल ही नहीं पाओगे,
मतलब बोलने के लिए भी एयर का जाना जरूरी है, वहां पे हवा मिलता है तो कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से आदमी बोल पाता है। तो लैरिंग्स क्या है, एक वॉइस बॉक्स है, साउंड बॉक्स है, ठीक है। तो एयर क्या होता है बेटा, उस वॉइस बॉक्स में जाता है, ठीक है, कौन गया, एयर गया। अब यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात, एयर, ठीक, ऐसे। अब देखो एयर यहां आएगा और फूड, फूड जो है बच्चों वो पीछे की तरफ चला जाएगा, ऐसे। जो फूड पाइप होता है ना, जैसे मैं यहां सामने खड़ा हूं ना, तो देखो ये जो हमारा है, ये विंड पाइप है, हवा वाली पाइप जो आगे की तरफ है। मैं इससे ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो ग्रीन वाली है ये हवा वाली पाइप है जो आगे है, और ये रेड वाली जो फूड पाइप है। तो देखो ना, इस तरीके से रहती है, आगे क्या रहता है, आगे हमारा हवा का पाइप रहता है, विंड पाइप, हवा वाली पाइप, और पीछे फूड पाइप, खाने वाली पाइप। तो ये जो पाइप है ना बच्चों, ये वाली पाइप ये फूड पाइप है, खाने वाली पाइप, जिसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं। अच्छा सर, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि ये खाना इसके अंदर इंटर कर जाए, है ना? बिल्कुल कर सकता है भाई, लेकिन बेटा जी ऐसा नहीं होता है। यहां पे एक कवरिंग है, मैं जरा ब्लू से बनाता हूं, यहां पे एक कवरिंग है ऐसे, इस कवरिंग का नाम है एपिग्लॉटिस। इधर लिखता हूं एपिग्लॉटिस, क्या नाम है बच्चों, एपिग्लॉटिस। एक फ्लैप है या एक कवरिंग बोल लो आप, एक फ्लैप या कवरिंग, जो क्या है भाई, ट्रेचिया। ये ट्रेचिया है हमारा बच्चा, विंड पाइप है ना, पूरा ये विंड पाइप है ना। तो वहां पे उसके ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है, जैसे ही खाना हम खाते हैं, जैसे ही बेटा हम खाना खाते हैं, तो ये वाला जो है ना, नॉर्मली ये जो है, ये फ्लैप बंद हो जाता है ताकि खाना इसके अंदर एंटर ना कर सके। खाना खाते टाइम ये फ्लैप बंद हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ना, फूड को एंट्री को रोक देता है, यानी कि जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, मतलब इसका काम क्या बेटा, इट प्रिवेंट्स स्वेलोइंग ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। ये ना हो जाए कि हम स्वेलो जब करें तो वो खाना विंड पाइप में चला जाए, क्योंकि अगर गलती से भी फूड विंड पाइप में चला गया तो भाई मरमरा जाओगे, सिंपल सी बात है, देयर इज नो ऑप्शन। तो अब जो एयर है बच्चों, एयर, ठीक है, मतलब हर लेक्चर में ढक्कन का गिरना कंपलसरी है। चलिए अब यहां पे जो है बच्चों, एयर आया, ठीक, क्या नाम है इसका भाई, इसका नाम है विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप लिख दूं, यस सर लिख दूं, ये हमारा विंड पाइप, इसको हम लोग ट्रैचिया भी बोलते हैं, ट्रैचिया, विंड पाइप, ठीक है। अब बच्चों ये हवा जो है ना, हवा इसके जरिए नीचे आएगा, इस ट्रैचिया विंड पाइप के जरिए। अब इस विंड पाइप में आपको दिख रहा है गोल गोल सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है, वो है रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले। लैरिंग्स क्या है हमारा, एक साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है, उसके बाद कहाँ गया वो, ट्रैकिया में गया, विंड पाइप में गया। अच्छा, विंड पाइप में बच्चों रिंग ऑफ कार्टिलेज रहता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब सर ये क्या है, तो समझो मतलब हड्डी नहीं होता है, लेकिन हड्डी जैसा लगता है, एक्चुअली वो टिश्यू है, टिश्यू है वो, लेकिन ऐसा लगेगा कि हड्डी है। तो यहाँ पे जो है ना बेटा, एक कार्टिलेज की रिंग बनी हुई है, ऐसे 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 रिंग है ये पूरा, इस तरीके से। मतलब ये जो हमारा पाइप है ना, ये पाइप कौन सी पाइप है बच्चों, ये पाइप है हमारा विंड पाइप, हवा वाली पाइप, यानी कि ट्रैचिया। तो इस ट्रैचिया के चारों तरफ जो है ना क्या लगा हुआ है, ऐसा रिंग बना हुआ है, ये रिंग, ये ऐसा बना हुआ है रिंग, इस तरीके से। मतलब ये वाला, मतलब ये वाला ले लो ऐसा, इस पाइप में रिंग लगा हुआ है, ठीक है, टिश्यू का। बेटा रिंग का काम क्या है, ये क्यों लगा हुआ है, ठीक है, इसका फंक्शन समझो। अगर मान लो ये रिंग नहीं होता, नॉर्मली ऐसा होता, तो जब इसके अंदर हवा आता, एयर आता, ठीक है, एयर आता, तो इस तरह से ये फूल गया, यहाँ पे एयर भरा हुआ है तो ये ऐसे फूला हुआ है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से बच्चों एयर निकल जाता, तो ये पिचक जाता, ऐसे पिचक जाता, ठीक है, और जो सही नहीं होता, पूरा ये कोलैप्स कर जाता ये ऐसा, ठीक है। तो इनहेल के टाइम में तो जब यहाँ पे एयर रहता तो आराम से क्या होता है, वो पूरा आप बोल सकते हो कि रिलैक्स हो जाता या इसका वॉल्यूम बढ़ जाता, लेकिन जैसे ही एयर यहाँ से निकल जाता वो वापस क्या हो जाता, वो वापस यहाँ पे कोलैप्स कर जाता। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज का काम क्या है, इट प्रिवेंट्स
prevents from collapsing of wind pipe, ताकि wind pipe जो है ठीक है ना, इस साइड का और इस साइड का आपस में कोलैप्स ना कर जाए, सर बंद ना हो जाए, ठीक है। ये कार्टिलेज क्या हुआ है, बना आराम से इसको, ये वाला जो पार्ट है ये इसी साइड रहेगा और ये वाला जो पार्ट है पाइप का इसी साइड रहेगा, दोनों को सेपरेट करके रखता है। तो ये कार्टिलेज का क्या बेटा फंक्शन है। एक आध बार PYQ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग कार्टिलेज, क्या बोलेंगे बच्चों, रिंग कार्टिलेज का क्या फंक्शन है, कि रिंग कार्टिलेज कोलैप्सिंग विंड पाइप को कोलैप्स से बचाता है, विंड पाइप आपस में कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज रहता है। अच्छा नेक्स्ट, हम लोग जो है ना बेटा एयर को कहाँ पहुँचा दिए, अभी हम एयर पहुँच गए हमारा विंड पाइप में। अब बच्चों वो विंड पाइप से एयर देखो लंग्स की तरफ जा रहा है, लंग्स की तरफ। डायग्राम जब भी बनाना ना तो अज्यूमिनेशन इस तरह से करना, जैसे ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला राइट है तो ये हमारा हो गया राइट लंग है ना, जिसको क्या बोलते हैं फेफड़ा। ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट लंग राइट लंग लेफ्ट लंग, यानी कि यही है बेटा लंग्स है, यही लंग्स है जो आपको दिख रहा है। अच्छा तो ये जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, देखो ना ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी ब्रांच, दिस प्राइमरी ब्रांच इज नोन एज ब्रोंकाई, क्या बोलते हैं बच्चों ब्रोंकाई। इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दोनों हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। क्या है ब्रोंकाई, अगर मैं सिंगुलर बोलूं जैसे मान लो सिर्फ इसको बोलूं मैं एक को, तो इसको बोलूंगा ब्रोंकस है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर दोनों को साथ में बोलेंगे, एक को बोलेंगे तो एक हो जाएगा ब्रोंकस, और दोनों को साथ में बोलोगे तो बोलेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई प्लूरल है, मतलब दो ब्रोंकस इज एक ब्रोंकाई, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना बेटा ब्रोंकस और ब्रोंकाई में, ब्रोंकस मतलब सिंगुलर एक, और दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे ब्रोंकाई। तो जो ट्रैचिया है, ट्रैचिया में एयर जा चुका है बेटा विंड पाइप पे, दिस ट्रैचिया इज फर्दर डिवाइडेड इंटू द प्राइमरी ब्रांच विच इज नोन एज क्या बेटा ब्रोंकाई, किसमें ब्रोंकाई में, ठीक है। अब इस ब्रोंकाई में एयर जा चुका है बच्चों, अब आगे क्या होगा, अब ये आगे एयर फिर से, तो देखो इसके भी ब्रांच खुल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये ब्रांच ये किसका ब्रांच है, ब्रोंकाई के बहुत सारे ब्रांच है, देखो जहाँ पे एयर जा रहा है भाई, ठीक है। इन ब्रांचेस में एयर पहुँच चुका है, देखो अभी, मतलब आप बोल सकते हो कि ये ब्रोंकाई आगे जाके फिर से दो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होता है ना, यानी कि आप बोलो कि ये ट्रैचिया है तो ये ट्रैचिया क्या हो गया भाई, ये ट्रैचिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अच्छा सर, फिर ये जो हमारा इसका नाम क्या है ब्रोंकाई, क्या नाम है ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई क्या होगा बेटा, ब्रोंकाई भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ब्रोंकाई जो है हमारा ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये क्या है, मैं फिर से बोलते रहा हूँ, ये हमारा है ट्रैकिया, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे हैं ब्रोंकाई, ठीक है। और बेटा जी ये क्या है, ये है ब्रोंक्योल्स, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंक्योल्स, मतलब ब्रोंकाई आगे जाके फर्दर डिवाइडेड होगा, आप उसको बोलते हो सेकेंडरी ब्रांच, द ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रांचेस विच इज नोन एज क्या बेटा ब्रोंक्योल्स। अब इन ब्रोंक्योल्स में आप देखेंगे इसके एंड में छोटे छोटे एयर सैक है ना, हवा की थैली होती है, छोटे छोटे हवा की थैली होती है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके एंड में छोटे छोटे हवा की थैली है, अंगूर के गुच्छा के जैसे, है ना। तो ब्रोंक्योल्स के एंड पे, एट द एंड ऑफ ब्रोंक्योल्स एट एंड देर इज एयर सैक विच इज नोन एज वॉट बेटा अल्बियोलाई, क्या बोलते हैं उसको अल्बियोलाई या अल्बियोलर सैक बोल दो, ठीक है, हवा वाली थैली, मतलब उसी में हवा होगा, अल्बियोलर सैक या अल्बियोलाई गोल गोल आता है ना बलून जैसा बेटा, बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसा है बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बात को समझिए मैं फिर से बता रहा हूं।
एयर जो है सबसे पहले नोज में गया, फिर नोज में नोज हेयर था, उसने डस्ट पार्टिकल को ट्रैप किया, वहां पे म्यूकस भी था नेजल पैसेज में, उस म्यूकस की वजह से जो गंदगी अच्छे से ट्रैप हो गई। अब वो गंदगी कफिंग के जरिए, स्नीजिंग के जरिए या गंदगी कैसे भी निकल जाएगी, फेरिंग्स में भी म्यूकस की लाइनिंग होगी ताकि अगर जो गंदगी है फेरिंग्स तक पहुंच गया हो वो कफ के जरिए या स्नीजिंग के जरिए बाहर निकल जाएगा। अब फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है जहां से फूड भी जाता है और एयर भी जाता है, ठीक है। तो जब हम खाना को स्वॉलो करते निकलते हैं तो निकलने के टाइम ये हमारा एक कवर है एपिग्लॉटिस जो हमेशा खुला रहेगा, लेकिन जैसे ही खाना निकलोगे वो बंद हो जाएगा ताकि उसके अंदर खाना इंटर ना कर सके। तो इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप एपिग्लॉटिस। व्हाट डज एपिग्लॉटिस डू, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप। विंड पाइप में खाना ना जा पाए, अगर खाना चला गया तो स्वर्ग सिधार जाएंगे। अब एयर जो है, ठीक है, नॉर्मल जो ये खुला रहता है तो एयर कहाँ होगा, एयर इस विंड पाइप में पहुंचेगा। बेटा यहाँ पे लैरिंग्स है, फेरिंग्स और लैरिंग्स होता है विंड पाइप में, विंड पाइप का नाम ट्रैचिया भी है। उस ट्रैचिया में क्या जाएगा, हवा जाएगा। अच्छा, अब वो एयर जाएगा ब्रोंकाई में। इसका नाम क्या है, ब्रोंकाई, जो क्या है, ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रांचेस। इन फर्स्ट वन इज लेफ्ट लंग एंड वन इन राइट लंग, वन इन राइट लंग एंड वन इन लेफ्ट लंग, उसका नाम क्या है, ब्रोंकाई। This bronchi further divided into secondary branches, which is known as what? Which is known as bronchioles. Bronchioles. यानी कि bronchi आगे जाके बहुत सारे branches में divide हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे bronchiole. जरूरी नहीं कि वो इसी में है, मैंने बेटा यहाँ पे भी बनाया है, यहाँ पे भी सेम ब्रांचेस बनेंगे, यहाँ पे भी सेम ब्रांचेस बनेंगे। ये नहीं कि सिर्फ राइट लंग में ही आपको bronchi, bronchioles और alveoli दिख रहा है, दोनों में है। मैंने इस वाले डायग्राम में आपको ये दिखाया है और इस वाले डायग्राम में रिब केज दिखाया है। ये है रिब केज, रिब्स बोलो रिब्स, और ये पूरा जो गुच्छा है, पूरा जाल, वो है रिब केज। केज मतलब जाल, ठीक है, मतलब ये जो हमारा लंग्स है बेटा, लंग जिसको आप फेफड़ा बोलते हैं ना, ये पूरा लंग है। लंग एक मस्कुलर टिश्यू, एक ऑर्गन है बेटा, टिश्यू है, ठीक है। जैसे देखो ये लंग है, ये लंग, इस लंग के चारों तरफ हड्डियां हैं, ये इसके ऊपर एक कवरिंग है, ये कवरिंग है, कवरिंग है, ठीक है, समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूं। ये हमारा मान लो लंग है, लंग तो ये उसका एक जाल है, कवरिंग, नेट बना हुआ है, नेट मतलब आपको दिखेगा नॉर्मली ऐसा नेट बना हुआ जाल टाइप, ऐसा देखो दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है ना इस जाल से, तो जाल टाइप है और जो चारों तरफ से इसको कवर करके रखा है। तो रिब केज क्या है बेटा, रिब केज एक बोनी स्ट्रक्चर है, रिब केज एक बोनी स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, कवर करके रखता है। यहां पर लिख दो, रिब केज एक बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या है, प्रिवेंट्स लंग। अरे भाई लंग को बचा कर रखे ना, देखो ना ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अगर ऐसे करेंगे तो लंग बार बार खेलेगा कूदेगा तो लंग को प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये लंग है, इसके अलावा एक चीज़ और, इस लंग के ऊपर एक और कवरिंग होती है, थिक मस्कुलर कवरिंग, वो भी क्या करता है, लंग्स को बचाता है ताकि इंजरी वगैरह ज़्यादा ना हो, उसको नाम है प्लूरा, PLEURA, अ थिक मस्कुलर कवरिंग ऑन लंग्स। लंग्स है ना, लंग्स के ऊपर एक मोटी सी कवरिंग है टिश्यू की, है ना, टिश्यू की, उसको क्या नाम है, प्लूरा, प्लूरा, और उसके ऊपर हड्डी है, ये हड्डी नहीं है, टिश्यू है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, हड्डी के अंदर, बोन्स के अंदर, रिब केज, देखो ना ऐसे आप दबाओ ऐसा, जहां तक आपको हड्डी मिलेगा देखो, तो यहां तक मिलेगा, यहीं तक, यानी कि जो लंग्स है ना मेरा, वो यहां तक है, यहां तक, और उसके नीचे है एक डायफ्राम, ये जो दिख रहा है ना आपको ये डायग्राम में ब्लू से जो मैंने बनाया है, ब्लू से ये वाला पार्ट, ये है डायफ्राम, ये डायफ्राम सेपरेट करता है। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक शीट है, मैं लिख देता हूं यहां पे डायफ्राम के बारे में, डायफ्राम बोल दो आप, बोल दो आप एक शीट, शीट एक शीट जैसा प्लेट है समझो, ये आपको दिख रहा है ऐसा, ये प्लेट है, ऐसा प्लेट रहता है, ठीक है। और ये प्लेट क्या करता है बेटा, इट सेपरेट्स थोरैसिक कैविटी, या आप चेस्ट कैविटी बोलो, एंड एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिन, बात समझो क्या बोला मैंने। जब डायफ्राम है ना, जैसे समझ में आया, रिब केज के अंदर क्या है बेटा, लंग्स है, लंग्स क्या है, फेफड़ा जिसके अंदर हवा भरती है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, थोड़ा सा एक मिनट यहाँ पे आ जाऊँ, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और उस ब्रोंक्यूल के अंदर ये जो गोल गोल आपको जिस सारे दिख रहे हैं ना, उसके अंदर मिलियंस ऑफ थैली रहती है हवा की, एयर सैक, बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बलून जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हवा भरा रहता है,
जिसमें जाके हवा भरता है। तो ये अल्वियोलाई जो होते हैं ना, मिलियंस होते हैं बेटा, मिलियंस मिलियंस इतने सारे होते हैं, क्या अल्वियोलाई। तो उस अल्वियोलाई के अंदर हवा जब बढ़ेगा तो हमारा लंग्स फूल जाएगा, है ना, ऐसे समझो। ये ऐसा है, जैसे हवा बढ़ा फूल गया, फिर हवा निकल गया सिकुड़ गया, फिर हवा मिला फूल गया, फिर हवा निकला सिकुड़ गया, ऐसा फूलेगा सिकुड़ेगा फूलेगा सिकुड़ेगा। तो उस लंग्स के अंदर, ये लंग है लंग, ठीक है, आप यार गूगल वूगल पे देखना ना यार फोटो, नॉर्मली लंग एकदम लाल जैसा होगा, ठीक है, ये आपने कहीं देखा रहेगा, मीट उट के शॉप पे आपने देखा रहेगा, ठीक है, गोट वगैरह का लंग क्या होता है बेटा, नॉर्मली इस तरीके से लंग होता है, एक मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, उसके ऊपर एक कवरिंग है प्लूरा, और उसके ऊपर एक रिब केज है, हड्डियों का जाल है दोनों तरफ, देखो दोनों तरफ ऐसे दबाओ ना यार, दोनों तरफ आपको हड्डी दिखेगी, ठीक है, बस यहीं तक, देखो यहीं तक हमारा लंग रिब केज खत्म हो गया, इसी के अंदर इतने ही एरिया में लंग्स है, ये जो एरिया है इसी एरिया के अंदर लंग्स है, बस उस वहाँ उसके नीचे यहाँ पे डायफ्राम है, यहाँ पे डायफ्राम है, और इस डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ से चालू होता है एब्डोमेन, इसको बोलते हैं एब्डोमेन, इसके ऊपर को बोलते हैं चेस्ट, ये चेस्ट है ना, और इस चेस्ट के नीचे क्या एब्डोमेन जहाँ पे स्टमक होता है ना, पेट, जहाँ पे पेनक्रियाज होता है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, तो ये पेनक्रियाज, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब ऑर्गन कहाँ पे होते हैं, ये सब ऑर्गन एब्डोमेन में होते हैं, एब्डोमेन, उसको बोलते हैं एब्डोमेन। तो ये वाला जो पार्ट है ना, समझो ये मेरे को देखो, ये वाला जो पार्ट है मेरा पेट, ये वाला पार्ट जो है एब्डोमेन, और यहाँ पे है डायफ्राम, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये चेस्ट या थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, थ्रोट बोलते ना, थ्रोट, इसको थ्रोट, तो थ्रोट की कैविटी, थोरैसिक कैविटी या उसको चेस्ट कैविटी बोलते हैं, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है बेटा, समझ के लीजिएगा, चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी को अलग करता है कौन, ये डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे जो होगा वो सब क्या होगा, वो सब होगा हमारा एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन, जहाँ पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और एब्डोमेन के ऊपर, डायफ्राम के जस्ट ऊपर क्या है भाई, पूरा हमारा ये थोरैसिक कैविटी, जिसके अंदर क्या है, लंग्स है, लंग्स, इस पूरे ये पूरा जो चीज़ यहाँ पे है उसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, कैविटी मतलब क्या, जगह, खाली जगह, तो इस खाली जगह में लंग्स है, उसके नीचे जो खाली जगह है यहाँ पे, अगर मान लो तुम लंग्स को निकालोगे तो पूरा खाली है, तो उस खाली जगह पे लंग्स है, और उसके नीचे जो खाली जगह है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज है कि नहीं, लीवर, ये सारी चीज़ें। खैर अब समझो, तो मैं बात कर रहा था, ये समझ में आपको कि ये सीट, एक शीट डायफ्राम क्या, एक शीट है जो क्या करता है, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन जो है ना, एयर बेटा, नॉट ऑक्सीजन, एयर के अंदर सब कुछ है। अब यहाँ पे एक आध सवाल हो सकता है मन में आए कि सर एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, तो क्या हम सब लेते हैं? बिल्कुल बेटा, हम सब लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन रिच होता है, वो ऑक्सीजन रिच होता है। ब्रीदिंग की डेफिनेशन अगर मैं थोड़ा सा और खोलूँ, थोड़ा सा और क्लियर करूँ, तो ब्रीदिंग का मतलब ही होता है इनटेक ऑफ ओ टू रिच एयर, ठीक है, इनटेक ऑफ ओ टू रिच एयर एंड एक्सहेल ऑफ CO2 रिच एयर, ये होते हैं ब्रीदिंग के डेफिनेशन। मतलब जो अपन सांस लेते हैं ना, उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, देख भी रहा, ऑक्सीजन ज्यादा है। ये जो नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है, और 78 का 78 बाहर चला जाता है, वो हमारे ब्लड वगैरह तक नहीं पहुंचता है, एक्सहेल हो जाता है। मैं थोड़ी देर में उसके बारे में और थोड़ा सा क्लियर करूंगा। फिलहाल समझो कि एयर के अंदर सारे गैसेस होते हैं, वो सब हम लेते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन रिच होना चाहिए। जो ऑक्सीजन रिच है उसको हम लेते हैं, ऑक्सीजन रिच का मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं हम, O2 भी ले रहे हैं, नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, N2 हाइड्रोजन गैस भी ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं और CO2 रिच एयर को निकालते हैं, इसी को बोलते हैं लोग ब्रीदिंग। द प्रोसेस इन विच इनहेलेशन ऑफ O2 रिच एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 रिच एयर टेक्स प्लेस इज नोन एज ब्रीदिंग। पॉज करके डेफिनेशन चाहिए तो लिख लिया करो, जो अभी मैंने बोला है उसको पॉज करके लिख लो, डिक्टो में लिखोगे एग्जाम में 100% मार्क्स मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये समझ में आया। अभी देखो, अभी ये एयर जो है बच्चों, ये एयर अभी कहाँ पहुँच चुका है, लंग्स में। ये लंग्स के अंदर ये है ब्रोंकाई और ये है ब्रोंकियल। अब इसके बाद ये गुब्बारा लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर में पहुंच जाएगा क्या, एयर, और ये फूल जाएगा, सब फूल जाएगा बेटा, जाने के बाद ये सब फूल जाएगा, है ना, फूल जाएगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर। देखो ना, ऐसा
इसके अंदर अभी क्या है, हवा भर गया है, फूल गया, इसलिए मैंने बड़ा बनाया है। हवा भर चुका है, ये फूल चुका है, ठीक है। अब पीवाईक्यू में भाई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे भाई एल्वियोलाई का फंक्शन? एल्वियोलाई का पहला फंक्शन है, यही से गैस का एक्सचेंज होता है। क्या क्या? अच्छा बता रहा हूं, देखो रेड पेन, अच्छा रेड से मैंने ये बना दिया है, तो एक काम करता हूँ मैं भी ग्रीन से बनाता हूँ या ब्लू लेता हूँ, ब्लू, ठीक। इसके चारों तरफ ना ऐसा ऐसा ब्लड का ब्लड वेजल्स होते हैं बेटा, ब्लड वेजल्स है ना, ब्लड वेजल्स आप बोल सकते हो, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स, यहाँ पे ना, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स, बहुत सारे ब्लड वेजल्स रहते हैं सर। तो दिस इज द नथिंग बट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स, ठीक है। एक्सटर्नली बाहर से जो एल्वियोलाई है, गुब्बारा, गुब्बारा बनाओ, बनाई ना सर, देखो ये गुब्बारा है, गुब्बारा है, अच्छा इस गुब्बारे के अंदर हमने क्या भर रखा है, इस गुब्बारे के अंदर हमने एयर भर रखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, गुब्बारे के अंदर एयर भर रखा है, ठीक। अब यहाँ पे जो एयर भरा है बच्चों, इसके चारों तरफ यहाँ पे इस तरीके से एक पत्ती पत्ती ब्लड वेजल्स है, यहाँ पे क्या है, ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स, इसके ऊपर के सरफेस पे भी गोल है, तो पूरे में, पूरे में क्या है, ऐसा ऊपर की तरफ मैं बोल रहा हूँ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ देखो, ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स। देखो बेटा हमारा जो खाना था, डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब्ड फूड, वो भी जो डाइजेस्ट होने के बाद क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम की चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाता है, किसमें, ब्लड वेजल्स में, तो ब्लड वेजल्स एब्जॉर्ब कर रही थी वहाँ पे, वहाँ पे काम की चीज़ें कौन एब्जॉर्ब कर रही थी, ब्लड वेजल्स। यहाँ भी एयर को यानी कि ऑक्सीजन को, अभी देखो यहाँ पे है ब्लड वेजल्स, ये ब्लड वेजल्स, और जो हमारा एल्वियोलाई होता है ना बेटा, एल्वियोलाई इसका जो वॉल होता है वो थिन वॉल होता है, मतलब ये जो ब्लैक वाला वॉल है, वॉल ये थिन, थिन सिंगल सेल वॉल, एक ही सेल का होता, बना होता है, एकदम थिन होता है, पतला, क्यों पतला होता है, ताकि आसानी से, ताकि आसानी से ऑक्सीजन जो है वह कहाँ चला जाए, ब्लड वेजल में चला जाए, ब्लड वेजल में चला जाए। अच्छा देखो बेटा एक चीज़ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ और समझो, चीज़ों को काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ये एक लेयर है, समझो ये वॉल है, किसका, एल्वियोलाई का वॉल है, ये क्या भाई, ये एल्वियोलाई का वॉल है, ये वाला वॉल, ठीक है। इसको हम मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, दीवार बोलो या मेम्ब्रेन बोलो, है ना, मेम्ब्रेन, ऐसे हमारे बॉडी के अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसा नाम बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है भाई, एक कवर है, यानी कि एल्वियोलाई को कवर करने के लिए कुछ चाहिए ना, वो जो बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो बलून है, बलून, बलून का जो कवरिंग है पतला सा है ना, तो देखो थोड़ा सा सुई लगाओगे तो आप फट जाएगा, तो वो रहेगा ही नहीं, तो वो बाउंड्री नहीं रहेगी, तो थोड़ी ना वो बलून रहेगा, वो तो मेन चीज़ है, तो समझो उसकी कवरिंग है, ठीक है, उसकी कवरिंग है, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी बात को समझिए बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारा वॉल है, और ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है एल्वियोलाई का, कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है एल्वियोलाई, 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 और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है ब्लड वेजल्स, क्या है ये, खून की नसें हैं, नलियां हैं, ब्लड वेजल्स, जिसके अंदर ब्लड है, ब्लड की पाइप है भाई, पाइप। तो क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन, क्योंकि आया, देखो ना ऑक्सीजन लंग्स होता हुआ, ब्रोंकाई होता हुआ, ब्रोंक्यूल्स होता हुआ कहाँ चला गया, इसी बलून लाइक स्ट्रक्चर में, एल्वियोलाई में, है ना, सिंगल एक को बोलते हैं एल्वियोलाई, बहुत सारे रहेंगे तो, या बहुत सबको एक साथ बोलते हैं बेटा एल्वियोलाई, एक को बोलते हैं एल्वियोलर सैक, एक को बोलते हैं एल्वियोलर सैक, और सब एक साथ बहुत सारों को बोलते हैं हम लोग एल्वियोलाई, जो मिलियंस होता है, तो उन एल्वियोलाई के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन गैस होते हैं ऐसे, और यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ बेटा, नेचर का ये कानून है, लॉ है, कि कोई भी चीज़ हायर से लोअर की तरफ जाती है, जैसे पानी इसके अंदर है, वाटर है, अगर वाटर को मैं रखूँगा तो अगर वो सरफेस लोअर होगा, ढलान होगा, तभी वाटर मूव करेगा, नहीं तो वाटर मूव नहीं करेगा, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करेगा, या मान लो मैं यहाँ पे से ऐसे हवा को छोड़ूंगा, हवा को ऐसे मैं छोड़ दूँ, तो अगर हवा वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे कम होगा, होगा तभी हवा यहाँ से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर मान लो ऐसे मैं जैसे फूंक मारा हूँ, तो ये फूंक वहाँ पे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा एयर नहीं है जितना यहाँ पे, यहाँ मैंने फूंक से निकाला, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ से वहाँ चला जा रहा है। तो कोई भी चीज़
मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। तो यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन रिच है, ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो सारे के सारे ऑक्सीजन क्या होंगे, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस ब्लड वेसल में चले जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब क्या बता रहा था मैं आपको, डिफ्यूजन बता रहा था बेटा। डिफ्यूजन समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपको डिफ्यूजन समझेगा तो। डिफ्यूजन का मतलब ऐसे नॉर्मल आप समझ जाओ, स्प्रेड होना, फैलना, छितराना, यानी कि मान लो एक पाइप ले लो, पाइप, ठीक है, और उस पाइप से पानी निकल रहा है, उसको जब आप दबाओगे तो पानी क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड होगा, या टॉर्च, टॉर्च से क्या लाइट स्प्रेड होती है ना, उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, मतलब स्प्रेड होना। लेकिन वो स्प्रेड कब होगा, लाइट स्प्रेड क्यों होती है, याद करो, जब वहां पे अंधेरा रहेगा तो लाइट स्प्रेड होगी, जब मान लो वहां पे भी लाइट कर दो तो आपको पता ही नहीं चलेगा लाइट स्प्रेड होगा कि नहीं, क्योंकि लाइट स्प्रेड ही नहीं हो पाएगा, या इससे ज्यादा लाइट लगा दो तो स्प्रेड नहीं हो पाएगा। अगर उस साइड ज्यादा लाइट है तो वो वाली लाइट स्प्रेड होगी, मान लो मैं इधर से टॉर्च चला रहा हूं, आप उधर से टॉर्च चला रहे हो, आपके टॉर्च का पावर ज्यादा है तो आपकी लाइट स्प्रेड होगी मेरी तरफ, अगर मेरे टॉर्च का पावर ज्यादा है तो मेरी लाइट स्प्रेड होगी आपकी तरफ, यानी कि कोई चीज अगर स्प्रेड होना चाहेगी तो कब होगी, एक जगह से दूसरी जगह कब जाएगी, कब जाएगी, जब उधर कम होगा और जिधर से मैं भेजा उधर ज्यादा होगा। मतलब ये समझो, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा जहां पे ज्यादा चीज है, ज्यादा है, वहां से कम की तरफ, कम की तरफ, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, पानी किधर फ्लो होगा, जहां पे ढलान होगा, हायर से लोअर की तरफ, ऐसे समझो, ये रूल है बेटा। तो हायर से लोअर की तरफ इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो गया, ऑक्सीजन, इसी को बोलेंगे हम ऑक्सीजन डिफ्यूजेस, यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल करने वाला था इसलिए मैंने इसको समझाया। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम अल्वियोलाई टू इस अल्वियोलाई में क्या पहुंच गया है, ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड वेसल्स, ठीक है, कौन सा भाई, O2 प्रेजेंट इन अल्वियोलाई, जो अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है, अभी ऑक्सीजन की वजह से अल्वियोलाई पूरा फूल चुका है, हमारा लंग्स फूल चुका है, हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ चुका है, यानी कि जो चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ना यार, पहले ऐसे था, हवा भरा, फूल गया, मान लो ना इतनी जगह, ये हमारा मान लो थोरेसिक कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी, तो यहाँ भी ऐसा था, जगह कम लिया था, फूल गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम इंक्रीजेस, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया, अच्छा सर ठीक है, खैर यहां देखिए, तो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम यहां पे क्या होती है, अब ये भी लिख दूं क्या, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है, ठीक है, O2 डिफ्यूज होता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन गया विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, अब इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आ गया, अब ऑक्सीजन आने के बाद इस ब्लड के जरिए फिर वापस सारे सेल में चला जाएगा, जो भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, अब उस सेल्स में जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बोला रेस्पिरेशन क्या होता है, फूड प्लस ऑक्सीजन व्हाट, CO2 प्लस एनर्जी, जब उस फूड, वो जो फूड सेल में मौजूद था, न्यूट्रिशन के जरिए वो फूड पहुंच चुका था सेल में, एसिमिलेटेड फूड है ना, वो फूड को जब ऑक्सीजन मिलेगा तब जाके वो एनर्जी पैदा करेगा, तो यहां पे ब्लड वेसल में भेजा, फिर ब्लड वेसल ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को कहां भेज दिया, उस ऑक्सीजन को उसने भेज दिया सेल्स तक। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, ये जो यहां पे तो डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, अब ब्लड वेसल से हमारे बॉडी के पूरे सेल्स में, देखो ना, हाथ पैर नाक कान हर जगह पहुंचाना है, इतना बड़ा हमारा बॉडी, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है, और हमारे बॉडी के अंदर ट्रिलियन सेल्स हैं, इतने सारे सेल्स हैं, और सब जगह ऑक्सीजन को पहुंचाना है, सब जगह ऑक्सीजन पहुंचा, क्योंकि सब जगह खाना पहुंचा हुआ है, और ऑक्सीजन अगर पहुंचेगा वहां पे तभी वो एनर्जी देगा, और तभी मैं काम कर पाऊंगा, या आप मुझे देख रहे हैं, ये भी एक काम है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, ये भी काम है, हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे अगर ये सब होगा ही नहीं, तो याद रखना, भी यहां पे एक डायग्राम और बना रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके समझो क्या बना रहा हूं मैं, देखो, देखते रहो, ठीक, यहां पे है मेरा ब्लड वेसल्स, रेड पेन ब्लड वेसल्स, अब सुनो ध्यान से, ठीक है, ये भाई थिन वॉल होगा इसका, एकदम एक सेल का थिन वॉल, ताकि क्या हो जाए, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर ऑक्सीजन सर भरा हुआ है, दम दमा दम दम दम, ओ पूरा पूरा भरा हुआ है यार ऑक्सीजन, इसके अंदर
कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है तो इस मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूज होके O2 पहुंच जाएगा इसके अंदर। ठीक बेटा जी, इस ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ध्यान से सुनना बात को। यस सर, सुन रहे हैं। ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। सर ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक रेड प्रोटीन होता है। रेड प्रोटीन, लाल प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन भाई। सर इसका काम क्या है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम। हीमोग्लोबिन इज अ कैरियर। हीमोग्लोबिन ट्रेन है, एक बस है जिसमें ऑक्सीजन बैठ जाते हैं, ऑक्सीजन सवार हो जाते हैं, उसके बाद वो जाता है हर स्टेशन पे सबको छोड़ के आता है, यानी कि हर सेल को वो ऑक्सीजन दे के आता है। समझ में आए क्या है भाई? हीमोग्लोबिन एक ट्रेन है। उस ट्रेन में बहुत सारे ऑक्सीजन लगे, बहुत सारे ऑक्सीजन, और हर ऑक्सीजन को अलग अलग सेल में जाना है कि तो क्या करेगा वो ट्रेन जाएगी बॉडी के पूरे सेल में जाएगी, और जिसको जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए रहेगा वो ऑक्सीजन को ले लेगा। अब सुनो ध्यान से, तो हीमोग्लोबिन क्या है भाई? एक रेड कलर की प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, हमारे खून का कलर लाल होता है। कोई पूछे कि क्यों हमारा ब्लड रेड होता है? कॉकरोच का ब्लड व्हाइट होता है, कभी कॉकरोच को देखना मार के, उसका ब्लड व्हाइट होता है। तो उसका व्हाइट होता है, हमारा रेड क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक रेड प्रोटीन है, क्योंकि उसका कलर रेड होता है इसीलिए वो खून का भी कलर लाल हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन क्या बोला मैंने बेटा? एक कैरियर है। कैरियर कहाँ लिखूं? यहां पे लिखता हूं, ये समझा दिया ना? ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन एक कैरियर है। कैरियर O2 कैरियर, ऑक्सीजन को ढोने वाला। ऑक्सीजन उसमें बैठते हैं ट्रेन में और ये लेके जाके सारे सेल तक छोड़ के आता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं बोलूं तो एक लाइन लिख लो भाई कि हीमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी ऑफ O2 देन CO2। मोर एफिनिटी टुवर्ड्स O2 लिख देता हूं, मोर एफिनिटी टुवर्ड्स O2। मतलब हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ऑक्सीजन से ज्यादा मोहब्बत है। वो ऑक्सीजन को तुरंत बांध पे बिठा लेगा। वो जो ट्रेन है वो ऑक्सीजन को तुरंत बिठाएगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बिठाएगा। ऑक्सीजन से उसको मोहब्बत है भाई, है ना? ऐसी गाड़ी जो सिर्फ ऑक्सीजन को ढोती है ना? हालांकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रहते हैं बेचा, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा मोहब्बत है। ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा वो एफिनिटी, मतलब क्या, ज्यादा उसको प्यार है, ज्यादा लगाव है। तो जैसे ही ये जो ब्लड वेजल्स है इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन HB से दिखाते हैं, HB आयरन से बनाता है बेटा, लोहे से बना होता है, लोहे आयरन Fe। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन को जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है ये तुरंत इससे बाइंड कर लेता है। तो हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है बेटा? HB बाइंड्स विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद O2, ऑक्सीजन को तुरंत बांध लेता है ना? केमिस्ट्री के हिसाब से अगर बोले तो बाइंड कर लेता है ना, बाइंड कर लेता है। ठीक है, और वैसे अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो क्या हुआ भाई? उस पर ऑक्सीजन उस ट्रेन पे आके बैठ चुका है ना? यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बहुत तेज बांध लेता है, और ये ब्लड वेसल है। अब इसने क्या कर लिया? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ गए हैं, है ना? दोनों जुड़ गए हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों जुड़ गए हैं। अब ये ब्लड वेसल्स है, खून की नसें हैं, खून की नालियां हैं। अब इससे ब्लड बहता रहेगा, हीमोग्लोबिन भी बहता रहेगा, बहते 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 सारे सेल तक जाएगा और हर सेल तक ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब मान लो ठीक है, ये भाई यहां पहुंच चुका है अभी। बहुत बढ़िया, यहाँ पे मेरा कान है, मान लो कान है। ठीक है यार, चलो यार हाथ से काम कर रहा हूँ, मान लो मेरे हाथ है, यहाँ पे हाथ है, समझ जाओ ना यार, यहाँ पे मेरा हाथ है। ठीक है, अब इसको एनर्जी चाहिए भाई काम करने के लिए, और यहाँ पे खाना पहले से मौजूद है। खाना को मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, खाना, फूड। इस फूड को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक एनर्जी नहीं बनाएगा, ये पहले से बैठा हुआ है। अब भाई साहब हीमोग्लोबिन वाली ट्रेन आ रही है, साथ में ऑक्सीजन को लेके आ रही है। ऑक्सीजन से उसको मोहब्बत है, ये लो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उससे, है कि नहीं? आ रही है, यस यस यस, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों में मोहब्बत है, बाइंड कर लिया उसको, लेके आ रहा है। अब यहाँ पे पहुंचा, अब यहाँ पे जो ये सेल है इस सेल के पास खाना है। अब इस सेल के पास अगर जाना है, किसको जाना है? इस ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे फिर से डिफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन है ही नहीं और यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन है। तो ये क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, एक दीवार होती है,
है ना, मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फिर यहां पे भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए वापस उस सेल में पहुंच जाएगा, तो यहां पे भी डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, एल्वियोलाई से ब्लड वेजल में डिफ्यूजन हुआ और ब्लड वेजल से उस सेल में डिफ्यूजन हुआ, लेकिन यहां पे डिफ्यूजन नहीं हुआ, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, अगर ध्यान नहीं है तो प्लीज ध्यान यहां रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, बार बार आया है कि भाई साहब डिफ्यूजन क्यों नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इन एनिमल्स और इन ह्यूमंस डिफ्यूजन डू नॉट टेक्स प्लेस फॉर रेस्पिरेशन, वाई डिफ्यूजन नहीं होता है, क्यों? एक्चुअली डिफ्यूजन यहां पे हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा है, क्यों? डिफ्यूजन जो है ना बेटा, एक बहुत स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूजन को बहुत टाइम लगता है, एक स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होता है। यहां से इसको अल्वियोलाई से इसको ब्लड वेजल में आना था, एक नॉर्मल बात थी, वहां पे आ गया वो, लेकिन हर एक सेल तक पहुंचना है तो धीरे धीरे जाएगा, फिर उस सेल से डिफ्यूज होगा, यानी कि वहां पे एक मेम्ब्रेन होगा, स्कैर पर जाएगा, फिर वहां पे जाएगा, इस तरह धीरे धीरे, उसको बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बताऊं काम की बात बताऊं, देखो थोड़ा मैं फ्लेक्सिबल है मेरा पैर, वाह आया क्या, थोड़ा फ्लेक्सिबल, ये देखो आया, ये टो है ना, टो पैर, क्या कर रही हो सर, ये देखो टो है, टो पैर है ना, तो ये लंग से, लंग यहां पे है, लंग से लेके पैर के टो तक, एकदम जो पैर के टो तक, जो पैर है आपका पैर, ये पैर बेटा पैर, लंग से लेके उस पैर तक ऑक्सीजन को जाने में 3 साल लगेंगे, क्या 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 3 साल लगेंगे, याद रखना। अगर ये प्रोसेस डिफ्यूजन के जरिए होगा, अगर इस ऑक्सीजन को लंग से टो तक हम डिफ्यूजन के जरिए भेजें तो उसको 3 साल लग जाएंगे, 3 साल, जबकि देखो कितना जल्दी चला जा रहा है, काम कर रहा हूं ना पैर से, मतलब पैर में ऑक्सीजन जा रहा है, एनर्जी कंटिन्यू बन रही है, फटाफट कटाकट काम हो रहा है, इतना फास्ट काम नहीं होता, तो इतना फास्ट काम इस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं रहता, अगर ये ट्रेन नहीं रहता, तो हम महाराष्ट्र से पाकिस्तान कैसे जाते, यार पाकिस्तान क्यों बोल रहा हूँ यार, नेपाल क्यों जाते, या इस क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो, तो हम इस ट्रेन से महाराष्ट्र से यूपी कैसे जाते, महाराष्ट्र से बिहार कैसे जाते, महाराष्ट्र से आसाम कैसे जाते, महाराष्ट्र से तमिलनाडु कैसे जाते, हमको महाराष्ट्र से तमिलनाडु जाने के लिए है ना, अब मैं बोला सर हम एरोप्लेन से जाएंगे, अरे एग्जांपल बता रहा, ट्रेन ले लो या प्लेन ले लो, भाई प्लेन ही ले लो, चलो प्लेन भी क्या है, हीमोग्लोबिन, चाहे आप महाराष्ट्र से कहाँ जाओ, यूपी जाओ, बिहार जाओ, आसाम जाओ, अरुणाचल प्रदेश जाओ, हिमाचल जाओ, कहीं भी जाओ, ट्रेन चाहिए, ट्रेन चाहिए। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ पैदल, पैदल निकलो यहां से जाओ कोलकाता, भाई कई साल लग जाएंगे भाई साहब, कई साल, डिपेंड करता है भाई कितना दिन लगेगा एग्जैक्टली, मुझे मालूम नहीं, एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर पैदल जाएंगे तो सोचो कितना दिन लगेगा कोलकाता जाने में, लेकिन ट्रेन से छक 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 छक, अब प्लेन से, तो ट्रेन भी नहीं समझो, प्लेन है डायरेक्ट, हीमोग्लोबिन प्लेन है डायरेक्ट, फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो भाई साहब यहां पे अगर डिफ्यूजन होता तो उस ऑक्सीजन को लंग से टो तक पहुंचने में 3 साल लग जाते हैं, इसीलिए यहां पे डिफ्यूजन नहीं होता है। तो आप बोलना क्या कि डिफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, अगर डिफ्यूजन के जरिए होगा तो लंग से टो तक ऑक्सीजन को जाने में 3 साल लगेंगे, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, जो कि डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डिफ्यूजन एनिमल्स में या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है वहां पे रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के जरिए नहीं होता। आया समझ में बेटा? यस सर। इस तरह अब ऑक्सीजन पहुंच चुका है हमारे सेल में, और ये फूड और ऑक्सीजन मिल जाएंगे, और क्या देगा बेटा, हमको देगा CO2 और एनर्जी, CO2 और एनर्जी। आया समझ में? अब ये हमारा पूरा हुआ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या हुआ बेटा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन की। किसकी? इंटरनल रेस्पिरेशन की, कि भाई साहब फूड तो पहुंच गया है, अब फूड में ऑक्सीजन मिलके CO2 और एनर्जी कैसे बनता? फूड पहुंचा हुआ था उस सेल तक विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने किया था, सारा कहानी हुआ था, और न्यूट्रिशन के जरिए खाना वहां पहुंच चुका था सेल में। अब हमने रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग किया, ब्रीदिंग या एक्सटर्नल, अभी जो हमने पढ़ाई है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के जरिए वो ऑक्सीजन नोज, नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर भी बोलते हैं इसको, नेजल चैम्बर, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, लंग्स में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई,
होता हुआ ब्लड वेजल्स होता हुआ सेल तक पहुंच जाता है. दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सो व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स इन रेस्पिरेशन, इन ब्रीदिंग, यू कैन से ब्रीदिंग? द नोज, ठीक, और उसी में नेजल चैम्बर भी ले लो, यू बाय नेजल चैम्बर, या नोज ले लो डायरेक्ट ले लो, फिर फेरिंग्स, ठीक है, ट्रैचिया, ठीक, और ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई. ये सब हमारे मेन ऑर्गन्स हैं जिसका इस्तेमाल होता है किसमें, किसमें बेटा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में. सबको समझ में आया, क्लियर हुआ बेटा किस तरह हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ? हाँ, फिर से एक बार रिवाइज कराऊं एक मिनट में. एयर, एयर हमारे नोज में गया, हमारे नोज में छोटे छोटे नोज हेयर्स होते हैं विच ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल, विच प्रिवेंट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, है ना, एंड इट मेक्स नेटा विद द हेल्प ऑफ म्यूकस, क्योंकि म्यूकस होता है एक स्टिकी सब्सटेंस है कि नहीं, और वो आप गंदगी निकल जाती है. अगर वो गंदगी मान लो फेरिंग्स तक पहुंची, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज जहां पे फूड भी है और एयर भी है, दोनों के पैसेज सेम हो जाते हैं. हालांकि ये दोनों अलग है, बकल कैविटी यानी कि माउथ और नोज, नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज दोनों अलग अलग है. इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? ये पैलेट, ठीक है, बूनी पैलेट बोलते हैं इसको. ये दोनों को क्या कर रहा है बेटा? सेपरेट कर रहा है. फिर ये दोनों का पैसेज सेम ही है, क्या, फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है? लैरिंग्स में. लैरिंग्स एक क्या है भाई? वॉइस बॉक्स है, उसको भी हवा चाहिए वरना बोल नहीं पाएंगे. उसके बाद कहाँ जाएगा? ट्रैचिया में. ट्रैचिया में विंड पाइप. इट इज मेड अप ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज. इसका क्या काम है? ये इस विंड को कोलैप्स नहीं होने देता, वरना हवा नहीं रहेगी तो ये कोलैप्स हो जाएंगे, है ना. हवा रहेगी तो ही फूले हुए रहेंगे वरना कोलैप्स हो जाएंगे. लेकिन रिंग बना हुआ है, बीच बीच में रिंग बना हुआ है, तो दोनों को क्या करते हैं बेटा? कोलैप्स होने से बचाते हैं. उसके बाद फिर वो ट्रैचिया होता हुआ, ट्रैचिया टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है लंग्स में जाने के बाद, राइट लंग लेफ्ट लंग में. ब्रोंकी, एक अकेला ब्रोंकस, दोनों को साथ में ब्रोंकाई बोलेंगे. ब्रोंकाई के ब्रोंकियल्स बनेगा, ब्रोंकाई डिवाइड होगा ब्रोंकियल्स में. अब हवा पहुंच चुका है ब्रोंकियल्स में, अब वो एयर पहुंचेगा कहां? वो एयर पहुंचेगा वेलेबुलर सैक में, ठीक है, दैट इज एल्वियोलाई. और वहां से ब्लड वेजल, फिर ब्लड वेजल से उस सेल तक विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. क्लियर हुआ? इस तरह हुआ हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. अब मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात करूंगा सेलुलर रेस्पिरेशन के थोड़े से बाद में. अभी मैं बात करूंगा क्या बेटा? अभी मैं बात करूंगा मैकेनिज्म, कि ये कहानी हो कैसे रही है. तो चलिए बच्चों देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस तरह ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है. ब्रीदिंग का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एयर का लेना और एयर का छोड़ना ब्रीदिंग. इनहेलेशन सांस लेना और एक्सहेलेशन सांस छोड़ना, या उसको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है. यानी कि आप ऐसा बोल दो कि ऐसा एयर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, है ना, O2 रिच एयर हम लेते हैं, ठीक है, इन, और CO2 रिच एयर क्या कर देते हैं बेटा? हम छोड़ देते हैं, आउट, ठीक. उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग. अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो जब हम एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इनहेलेशन में भी हम एयर लेते हैं और एक्सहेलेशन में हम एयर छोड़ते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, एयर इंटर्स द लंग थ्रू द नोज. एयर जो होता है बेटा लंग्स में इंटर करता है, इस लंग्स में नोज होता हुआ, देखो ना, नोज होता हुआ, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर लंग्स में इंटर करता है, ठीक है. और एक्सहेलेशन की बात करें तो एयर लंग्स से निकल के नोज होता हुआ बाहर आ जाता है, ठीक. यानी कि अगर मैं बात करूँ ना इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की, तो बेटा जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 78%. कितना? 78%. एक्सहेलेशन में भी नाइट्रोजन 78% रहेगा. जितना नाइट्रोजन अपन हम लोग लेते हैं उसको वापस हम लोग एक्सहेल कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती. और अगर मैं बात करूँ ना ऑक्सीजन की बच्चों, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है 21%. और हम लोग जब इनहेलेशन की सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंच जाता है, तो ऑक्सीजन जब वापस आता है वो 16.4% आता है. यानी कि लगभग 5% ऑक्सीजन यूज कर लिया जाता है, हमारी बॉडी उसको यूज कर लेती है. क्यों यूज करती है बेटा? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, हमने जो फूड खाया है उस फूड के साथ ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तब तक एनर्जी मिलेगी नहीं. तो वो ऑक्सीजन कहाँ चला गया? सेल में चला गया. सेलुलर रेस्पिरेशन जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग 5% ऑक्सीजन यूज हो गया. उसी तरह अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटमॉस्फेयर में देखो मैंने लिखा भी वहाँ पे 0.04%. और जब मैं बाहर निकलने की बात करूँ
तो बाहर लगभग 4.4%, ठीक है। जो एक्सहेल होता है, एक्सहेल एयर, ये बेटा कौन सा एयर है, इनहेल्ड एयर, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें भी गैसेस हैं, N2 है, O2 है, CO2 है, इसके अलावा वाटर वेपर, H2O, हम लेते कुछ भी नहीं है, 0%, लेकिन 3-4% हम वाटर भी एक्सहेल करते हैं। आप एक्सहेल करो थोड़ा थोड़ा आपको वार्म लगेगा, लिक्विड टाइप है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन के दौरान सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जब फूड और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो वहाँ से वो CO2 छोड़ते हैं और एनर्जी बनाते हैं। तो देखो ना, एटमॉस्फेयर से तो हमने 0.04% लिया ही था, प्लस हमारी बॉडी ने जब एनर्जी को बनाया ऑक्सीजन को लेके, जो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन यूज हुआ लगभग 5%, उस ऑक्सीजन को लेके फूड ने एनर्जी बनाया और साथ में CO2 रिलीज किया, तो चूंकि CO2 रिलीज किया तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, CO2 ज्यादा निकलता है। और उसी तरह बेटा H2O भी रिलीज होता है, H2O भी हमारे बॉडी में रिलीज होता है, तो H2O वेपर के फॉर्म में वो भी क्या होता है बेटा, निकल जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर की, तो क्या देखें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन सेम है, नाइट्रोजन जितना इनहेल करते हैं उतना एक्सहेल कर देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन 21% एक्सहेल इनहेल करते हैं और 60.4% एक्सहेल करते हैं, यानी कि 5% लगभग यूज कर लेते हैं, और CO2 कितना कम है लेकिन एक्सहेल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर CO2 बनता है और फिर वो एक्सहेल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनहेलेशन के दौरान और एक्सहेलेशन के दौरान हो रही है, इसी को लेकर के आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक 6.4 एक्टिविटी है, जहाँ पे बोला गया है कि भाई एक पिचकारी ले लो आप, है ना, एक पिचकारी ले लो और इसमें आपने डाल रखा है लाइम वाटर। क्या डाल रखा है बेटा, लाइम वाटर सबको पता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH2 को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। देखो मैंने केमिस्ट्री में बेटा फर्स्ट लेसन में पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में लाइम वाटर, हम जानते हैं जब लाइम वाटर में CO2 मिला देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट कलर का होता है, एकदम वाइट। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट में लाइम वाटर में से फूकोगे ना, मैंने एक्टिविटी भी बनाया और फूक के भी दिखाया, लाइम वाटर को जब आप लोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में मिक्स करके, अगर उसको लोगे बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिक्स कर दोगे और उसको क्या करोगे, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, एक्वस भी है, एक्वस मतलब पानी में मिक्स है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे हम तो पूरा वाइट नहीं रहता है, थोड़ा सा वाइट रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें को फूकेंगे, जैसे मान लो ना ये बॉटल है, ठीक है, मान लो इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, तो जैसे मैं फूकूंगा ना तो वो एकदम वाइट हो जाएगा, वाइट, क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम लोग वाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं, चूना वाला करते हैं दीवार पे। तो जैसे पिचकारी में भी बेटा हवा है ना भाई, अरे पिचकारी, इसके अंदर कुछ नहीं फील है, पानी नहीं फील है, तो क्या हवा है, एयर तो हर जगह है, और उसमें होल के जरिए एयर अंदर है, और एयर अंदर है तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो आप इस पिचकारी को जब लाइम वाटर में, सर यहाँ पे लाइम वाटर का सॉल्यूशन है, आप जब इस पिचकारी को दबाओगे तो देखोगे धीरे 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 ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, एकदम दूध के जैसा हो जाएगा, एकदम सफ़ेद हो जाएगा, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, इट टेक्स टाइम। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना कि आपकी बात, जैसे आप हो, आप यहाँ पे फूक रहे हो, मतलब आप यहाँ से फूक रहे हो, CO2 निकल रहा है ना, आप फूको इसमें लाइम वाटर में, तो वो भी मिल्की होगा अगर आप ब्लो करोगे एयर को लाइम वाटर में, मतलब ये लाइम वाटर का सॉल्यूशन है और ये हम ब्लो कर रहे हैं, हम फूक रहे हैं अगर, तो ये जो है ना ये तुरंत मिल्की हो जाएगा, इट टर्न्स मिल्की इमीडिएटली, तुरंत मिल्की हो जाएगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। तो आपकी एक्टिविटी में ही पूछा उन्होंने कि ऐसा क्यों, तो आप बोलना क्योंकि जो हमारा इनहेल्ड एयर है वो कौन सा एयर है, एटमोस्फेरिक एयर, हम एटमोस्फेयर से जो एयर ले रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.04% है, तो ये पिचकारी में वही एयर इसके पास भी है ना, जो एयर हम ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जो एयर है वही पिचकारी के अंदर भी है, तो वो एयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और CO2 कम है तो इसको धीरे टाइम लग रहा है मिल्की होने में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ना ज़्यादा है, 4.4%, कई गुना ज़्यादा है, तो ये फटाक से मिल्की हो जाता है ना, कितना सिंपल है।
इसी तरह एक और उन्होंने एक्टिविटी सजेशन 5 बोला है कि क्या करो भाई, एक सॉल्यूशन ले लो आप, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन इसलिए बोला चीनी का क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज, शुगर, ग्लूकोज, ठीक है, नॉर्मल। तो बेटा हम सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि जब ग्लूकोज यानी कि फूड के अंदर होता है ग्लूकोज, और जब ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो फूड बेटा हम खाते हैं उसमें ग्लूकोज भी तो है, है ना, तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसीलिए बोला गया कि ग्लूकोज लो, और ग्लूकोज लेने के बाद उसमें ईस्ट डाल दो, ईस्ट, बेकर्स ईस्ट मार्केट में मिलेगा, बेकरी वाले यूज़ करते हैं, है ना, ईस्ट मिलाते हैं, बेकर्स ईस्ट मिलाते हैं तो जाके वो फूलता है, ढोकला फोफला बनाने में इस्तेमाल करते हैं ना उसका, है ना, पूड़ी उड़ी हो गया, जब भूलता है किसकी वजह से भूलता है, उसी बेकर्स ईस्ट की वजह से होता है, जिसको सोडा वो बोलते हो ना, तो वो बेकर्स ईस्ट जब आप उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जब डालेंगे ना तो बिल्कुल वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड, और ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होता है। मैं इसको सेलुलर रेस्पिरेशन में ज़्यादा एलेबरेट करूँगा, फिलहाल समझो कि वहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं रहता है, लेकिन अगर उसमें ईस्ट डाल देते हैं तो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। तो मान लो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर तुमने क्या किया है, तुमने कार्बन शुगर सॉल्यूशन के अंदर ईस्ट मिला रखा है, और यहाँ पे एक पाइप, डिलीवरी पाइप डाल दो, क्योंकि यहाँ से बनेगा CO2, जब CO2 बनेगा तो यहाँ पे एक और लाइम वाटर फिर से रख दो, तो देखोगे आप कुछ टाइम के बाद इट टर्न्स मिल्की। तो क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, वहाँ पे हो रहा है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या, ग्लूकोज जो है शुगर सॉल्यूशन में होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या करता है, ईस्ट, ईस्ट जो बेकर ईस्ट में डाला है उससे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्यूब के जरिए इसमें आ गई, और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में मिलेगा तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, उसका कलर होता है व्हाइट, एंड दैट्स व्हाइट टर्न्स मिल्की। तो खैर एक्टिविटी भी मैंने बता दिया, बाय द वे जो मैकेनिज्म उसकी बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म है तो ये थोड़ा सा पॉइंट आ गया था इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। खैर मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, जो एयर है बच्चा, एयर, वो एयर यहाँ एंटर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एयर को मुझे थोड़ा डिटेल में बताना था इसलिए मैंने बता दिया। अब एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस हैं, खैर गया वो एयर कहाँ पहुँच जाएगा भाई, लंग्स में पहुँच जाएगा, ठीक। तो इनहेलेशन के टाइम क्या होता है ना बच्चों, इनहेलेशन के टाइम ये जो आपको दिख रहा है ब्लू पेंट से, ये डायफ्राम है, डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम। तो देखो ना इनहेलेशन के टाइम में आप डायफ्राम देखो फ्लैट जैसा दिख रहा है एकदम फ्लैट, और देखो एक्सहेलेशन पूरा डोम शेप जैसा दिख रहा है, डोम शेप जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पॉइंट पढ़ लो कि मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड द मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स। अभी ये रिलैक्स पोजीशन पे, अभी डोम शेप का स्ट्रक्चर जो है ना पहले ऐसा रहता है, देखो मान लो ऐसा है, ये नॉर्मल अगर रिलैक्स पोजीशन में ऐसा है, लेकिन जैसे ही तुम सांस लोगे, जैसे हम सांस लेते हैं बेटा, तो लंग्स हमारा मूव करता है नीचे की तरफ, एक्चुअली डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, लंग्स जो है ना फूलेगा, फूलेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो देखो जैसे ही एयर गया ये क्या हो गया बेटा, फ्लैट हो गया। अभी तो यहाँ पे लिखा है डायफ्राम गोज डाउनवर्ड, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है और फ्लैट हो जाता है। और जो हमारा रिब है, रिब केज, ये जो दिख रहा है आपको रिब केज, ये रिब केज, ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है, यानी कि बाहर की तरफ आएगा। सिंपल सी बात समझिए कि ये रिब है, इस रिब के, रिब क्या है भाई, बोनी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, लंग्स होता है हमारा। तो जैसे ही इनहेलेशन करेंगे, सांस लेते हैं ना भाई, तो जैसे ही सांस फूल गया पूरा, ये भर गया, तो ये ऐसे पिचका था, अब ये रिब केज क्या हो गया, आउटवर्ड आ गया, आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड ऊपर की तरफ आउटवर्ड आ गया, ठीक। इसके ऐसे रिब के जैसे आउटवर्ड आ गया, आउटवर्ड आ गया, अब उसके अंदर लंग्स फूल गया है, लंग्स जैसे ही लंग्स का साइज बड़ा हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग थोरैसिक कैविटी। मान लो ये जगह, इस जगह को आप मान लो ये वाली जगह, इसको बोलते हैं हम लोग थोरैसिक कैविटी, क्या बोलते हैं, चेस्ट, चेस्ट कैविटी, है ना, चेस्ट की खाली जगह थोरैसिक कैविटी। ये यहाँ पे था, यहीं से मान लो भाई, और यहाँ तक था। तो अभी देखो यहाँ पे इस वाले केस में थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि इसका साइज छोटा हो गया, लंग छोटा जाएगा तो ये खाली जगह कैविटी बढ़ गया। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, हाँ देखो ना कम हो गया ना, खाली जगह ज्यादा हो गया, यहां पे देखो ना वॉल्यूम बढ़ गया, जगह पूरा बढ़ गया, बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका साइज बढ़ गया, तो साइज बढ़ गया तो कैविटी क्या, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, ये पूरा चेस्ट हमारा ऐसा लगता है कि पूरा जगह ले लिया इसमें, इसने जगह कम लिया, बात को समझ, जगह कम लिया। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, बात को समझो आप, कि जैसे ही हमने सांस लिया, जैसे हमने इनहेलेशन किया, इनहेलेशन के दौरान क्या होता है बेटा,
ये हमारा जो है लंग्स, लंग्स वो फूलता है, लंग्स फूलता है और उससे डायफ्राम है, ये डायफ्राम है ठीक, ऐसे था ये फूला, ये यहाँ पे ऐसे देखो ये फूला, इसको दबाया ये हो गया फ्लैट, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, साइज इसका बढ़ गया है ना, उसके अंदर हवा बढ़ गया। अच्छा वही सब चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है ठीक है। और जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड जाता है और फ्लैट हो जाता है। यहाँ पे फिर से वापस मान लो आपने क्या करें, सांस छोड़ दिया, ये फ्लैट हो गया, सांस छोड़ा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो ये ऐसा हो गया, आया समझ में। इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ब्रीदिंग। अब इससे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे बेटा इस केस में हवा अंदर चला जाएगा, हवा अंदर जाएगा तो हवा जब अंदर आएगा तो वॉल्यूम बढ़ गया, हवा जब अंदर आया तो देखो मैंने लिखा भी है वॉल्यूम बढ़ गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। अभी मैं थोड़े से फिजिक्स बता रहा हूँ आपको, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम जानते हैं वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। जैसे देखो ये तुम्हारा बॉटल है, इस बॉटल के अंदर अगर आप पेन डालोगे उसके बाद पानी भरो तो जितना अंदर ये था मार्कर उतना पानी कम होगा, उतना पानी इसके अंदर कम फील होगा, ये हटाओगे तो ज़्यादा पानी होगा, ये रख दोगे तो पानी कम होगा, यानी कि इसके अंदर डालने से क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। और हमने क्या अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर क्या एक तरह का फोर्स है ना, ये लो प्रेशर अप्लाई किया हमने, तो प्रेशर अप्लाई किया यानी कि प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ने पे समझिए बेटा वॉल्यूम कम होता है, तो प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर कम हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम, तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो हम जानते हैं कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ती है। मान लो यहाँ पे हवा ज़्यादा है वहाँ कम है तो हवा इधर से उधर मूव करेगा, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ का टेम्परेचर कम है उधर से मूव करेगा। जैसे मान लो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 50 है, तो इसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये नेचर का लॉ है, कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो जैसे ही हमारे बॉडी, हमारे थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम हो जाएगा फटाफट फटाफट, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है तो सारा का सारा एयर हम सक कर लेंगे, एयर फटाक से अंदर जाएगा। तो एयर क्यों अंदर जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, प्रेशर की कमी की वजह से, प्रेशर कम हो गया बाहर का प्रेशर ज़्यादा है फटाफट सक करेंगे, और एक्सहेलेशन के टाइम उसकी उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। जब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, देखो ना कितना छोटा हो गया, ये खाली जगह ज़्यादा हो गया, तो जब इसका वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर का प्रेशर कम है तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, तो अंदर ज़्यादा प्रेशर है बाहर कम प्रेशर है, तो सारा का सारा गैस एयर आपका निकल जाएगा। तो एक्सहेलेशन के टाइम CO2 ज़्यादा निकलता है और इनहेलेशन के टाइम O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए ब्रीदिंग के डेफिनेशन लिखते हैं O2 रिच एयर इन और CO2 रिच एयर आउट, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। हमने ऑक्सीजन कितना लिया और ऑक्सीजन कितना छोड़ा, ऑक्सीजन लिया ज़्यादा छोड़ा कम, CO2 लिया कम छोड़ा ज़्यादा, इसीलिए बोलते हैं O2 रिच एयर इन CO2 रिच एयर आउट इज ब्रीदिंग एंड दिस इज द मैकेनिज्म। जहाँ पर आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि इसका वॉल्यूम बढ़ने से ये फ्लैट हो गया, उसका वॉल्यूम कम होने से ये डोम शेप में आ गया है कि नहीं, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस भी है, 1 or 2 मार्क्स के लिए आएगा तो आप लिख देना आराम से। ये क्लियर हुआ बेटा, चल फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इरेज करके मैं आगे बढ़ूँ। ओके चलो एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बेटा जिसका नाम है रेसिजुअल वॉल्यूम। क्या रेसिजुअल वॉल्यूम, ये क्या है सर, चलो देखते हैं बेटा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ पर्सन्स लंग, किसी इंसान के लंग के अंदर कितना एयर है मौजूद इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन। बात को समझिए क्या बोला मैंने, कि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में पूरा एक्सहेलेशन, मतलब पूरा हवा निकाल दो, पूरा मतलब आपको लग पूरा एक्सेलेशन कर लो, पूरा फोर्स लगा के मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सेलेशन कर दो, उसके बाद भी कुछ अमाउंट में एयर रह जाता है, लगभग 1100 to 1200 ml ऑफ एयर इज रिमेनिंग ऑफ एयर इज रेसिजुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। रेसिजुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन ह्यूमन बॉडी इन लंग्स इज 1100 to 1200 ml ऑफ एयर,
1100 1100 से 1200 ml एयर इसके बावजूद बच जाता है। पूरा का पूरा आप एक्सेलेशन कर लो, अपने सांस लिया, इनहेलेशन, एक्सेलेशन करो, पूरा एक्सेलेशन कर दो, पूरा फूंक दो, पूरा आप निकाल दो, पूरा जितना फोर्स लगा सकते हो उतना फोर्स लगा के भी आप एक्सेलेशन करोगे उसके बावजूद भी इतना एयर बच जाता है। ठीक है, क्यों भाई? इसका काम होता है, क्या काम होता है? क्योंकि हम एक मिनट में, अगर मैं बात करूं तो एक मिनट में बेटा जी हम 12 to 20, ठीक है, 12 to 20 टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करते हैं एक मिनट में, एक मिनट में। एक ब्रीथ का मतलब होता है एक बार इनहेलेशन, एक बार एक्सहेलेशन, एक बार इनहेलेशन, एक बार एक्सहेलेशन को बोलते हैं हम लोग वन ब्रीथ, वन ब्रीथ। और एक मिनट में इस तरह कितनी बार ब्रीथ करते हैं हम लोग? 12 to 20 टाइम्स एक अडल्ट में, है ना, एक मेल में जो 18 साल से ऊपर का है। अब ये रेट बढ़ भी सकता है अगर आप भाग रहे हो, तो भाग रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो एनर्जी कैसे मिलता है? मैंने पहले बोला ऑक्सीजन, फूड के साथ जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन मिलेगा तब एनर्जी मिलेगी। तो आप अगर भाग रहे हो तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, देखो अभी मैं हाँपने लग गया, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो रेट बढ़ जाएगा। तो जब एक्सरसाइज करोगे या रनिंग करोगे तो एट दैट टाइम आपका बढ़ जाएगा, लेकिन नॉर्मल 12 to 20 टाइम्स रहता है। अगर इससे कम, 12 से नीचे हुआ, है ना, बिलो 12 से अगर नीचे हो गया, कम हो गया बोलो ना, अगर 12 से कम हो गया, 12 से कम हो गया, ऐसे लिखते हैं तो 12 से कम सबसे बेहतर, अपना देसी लैंग्वेज, ठीक। और 25 से ज़्यादा हो गया, 25 से ज़्यादा हो गया तो भाई साहब बीमारी होगी, क्या होगी? बीमारी हो जाएगी, फिर अलग अलग तरह की बीमारी, मतलब आप नॉर्मल नहीं हो, ठीक है, तो आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, मतलब नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ब्रीदिंग 12 to 20 टाइम्स होता है बेटा एक मिनट में, ठीक है। तो 100 or 1200 ml ऑफ एयर जो बचा होता है, इसका काम क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन जो है अल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ब्लड में चला जाए और फिर ब्लड से CO2 इस अल्वियोलाई में आ जाए। तो इतना टाइम जो हो रहा था, टाइम जो लग रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना, क्योंकि देखो ना एक मिनट में हम इतनी 12 to 20 टाइम से ब्रीथ कर पा रहे हैं, तो 12 to 20 टाइम्स बार ही हम लोग ऑक्सीजन ले पाएंगे और CO2 छोड़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो अल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स है वो और फास्ट काम करते हैं, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो वही रेसिजुअल वॉल्यूम, जो बचा हुआ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में रहता है उतना बचा के रखता है। क्यों बचा के रखता है? ताकि वो ऑक्सीजन को आसानी से ब्लड वेसल में दे सके और उस ब्लड वेसल से CO2 को अल्वियोलाई में वापस ले सके। फिर अल्वियोलाई में आने के बाद CO2 जो है ब्लड वेसल से कहाँ आएगा? अल्वियोलाई में। अल्वियोलाई से फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी, फिर ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स और फिर नोज से फिर निकल जाएगा, है कि? तो आया समझ में? यस सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अभी कुछ डिजीज को देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारी होती है। जैसे देखो मैं बोलूँ, TB आपने सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस, कैसे होता है पता है आपको? ये जब हमारे ट्रैचिया में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन इन ट्रैचिया, अगर ट्रैचिया इन्फेक्टेड हो गया किसी चीज़ से, किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी वायरस की वजह से अगर हमारे ट्रैकिया में, विंड पाइप में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस बीमारी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। बहुत खतरनाक बीमारी होती है और ये ऐसी बीमारी है जो एक बंदे से दूसरे बंदे में जाती भी है, है ना, फैलती है। तो जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो उससे दूर रहना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि वो जब खांसता है तो उसके जर्म्स, उसके बैक्टीरिया, वायरस अगर आएंगे तो उससे इन्फेक्शन होता है। तो अगर ट्रैकिया में इन्फेक्शन हो गया तो ट्यूबरकुलोसिस होता है, है ना। ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज़्यादा खांसी भी होती है बेटा और ब्लीडिंग भी होता है, मुँह से ब्लीडिंग निकलने लगता है कफ के एक्शन के साथ, क्योंकि पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है। खैर, इसके अलावा और अगर बात करूँ बेटा तो इम्फाइसीमा। अभी इम्फाइसीमा क्या होता है? तो जो लंग्स होता है ना, लंग्स, उसका रिडक्शन हो जाता है। अब सर लंग्स का रिडक्शन का मतलब क्या? लंग्स क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैस करता है बेटा। लंग्स के अंदर अल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। इसका साइज क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मुझे याद आया, मैं बता नहीं पाया हूँ, अभी याद आया मुझे। ये जो लंग्स होता है ना बेटा हमारा, लेफ्ट लंग, ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग, इस लेफ्ट लंग के पास एक नॉच होता है, एक नॉच होता है, और लेफ्ट लंग हमारा थोड़ा सा छोटा होता है, लिटिल स्मॉल देन राइट लंग, ठीक है। एक नॉच होता है, उस नॉच के पास हमारा दिल होता है, दिल यहाँ पे एकदम बोलते हैं ना, दिल हमारे लेफ्ट में होता है, यहाँ पे तो दिखा देते हैं, नहीं भी यहाँ पे हमारा क्या ट्रैचिया है, और यहाँ से एकदम थोड़ा स्लाइटली ये जो नॉच है ना, इसी नॉच में रहता है दिल, हार्ट। तो इसीलिए उसका साइज जो
लेफ्ट लंग का थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि वहां पे एक नॉच है, और उस नॉच के पास क्या है बेटा, उस नॉच के पास क्या रहता है, उस नॉच के पास रहता है दिल हमारा, हार्ट। खैर, तो ये लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। तो लंग्स क्या, इसका रिड्यूस हो जाता है, इसका जो एरिया है गैस एक्सचेंज करने का वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी होती है इम्फाइसीमा। ये भी खतरनाक है, आगे आने जाने के बाद मतलब इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो, इट मे बी लीथल, जानलेवा है। क्यों भाई? क्योंकि हम सही से ब्रीदिंग ही नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन ना ले पाएंगे, CO2 ना छोड़ पाएंगे, क्योंकि साइज धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो एल्वोलाई में ऑक्सीजन कम आ पाएंगे, तो उससे दिक्कत है, तो उससे अलग बीमारी होगी बेटा। और मैं अगर बात करूँ तो अस्थमा, आपने सुना होगा अस्थमा बीमारी होगी, है ना। अस्थमा में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, उसको एक मशीन लेते हैं जिससे वो इनहेल करते हैं, है कि नहीं। उस अस्थमा में क्या होता है आपको पता है, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स जो है, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ये जो बेटा ये ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, इसका साइज छोटा हो जाता है। जैसे मान लो ये ब्रोंकी है, ठीक है, इसमें ब्रांचेस निकल गए, ये ब्रोंक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो इसका साइज इतना था, अब इसका साइज ये हो गया, ये लो। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, यानी कि इसका साइज रिड्यूस हो जाना। तो इससे जो बीमारी होती है वो होती है अस्थमा। और अगर मैं बात करूँ बेटा और नेक्स्ट बीमारी की, तो आपने सुना होगा निमोनिया, पी से लिखते हैं ना निमोनिया, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, हो सकता है अगर गलत हो तो। निमोनिया में क्या होता है भाई, आपको पता है निमोनिया में इन्फेक्शन हो जाता है भाई, वो जो हमारा लंग्स है वो पस से भर जाता है, पीप से, मतलब लंग्स अगर आप बोलो, या अल्वियोलाई आप बोल लो कि अल्वियोलाई इज फिल्ड विद पस, भरना चाहिए उसको हवा से, लेकिन वो पस से भर जाएगा, जो पीप जिसको आप बोलते हैं ना पीप, जख्म, जब जख्म हो जाता है, कट जाता है तो निकलता है ना, वही पीप। अच्छी, तो भाई वो अल्वियोलाई जो है वो उससे फिल हो जाता है, तो यानी कि इन्फेक्शन ऑफ, आप बोल सकते हो इन्फेक्शन ऑफ अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इतनी खतरनाक बीमारियां हो सकती है अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो गया हमारे लंग्स में। देखो ना, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो गया, ब्लैक कैंसर हो जाता है डायरेक्ट, पूरा लंग में इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सब तरह तरह की बीमारियां हैं जो हो सकती हैं, किसकी वजह से, अगर कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया हमारे लंग्स में, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ से भाई, नोज से लेके अल्वियोलाई तक, वो जो है वो सब क्या है हमारा, वो हमारा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमंस में क्या है, तो मेन हमारा क्या है, लंग इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग्स नहीं रहेगा तो हम लोग गैस का एक्सचेंज, O2 लेना, CO2 लेना नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा हमारा हुआ बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, कि इंसानों में ब्रीदिंग कैसे होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग कैसे होती है, ठीक है। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स, फिश, कैसे सांस लेती हैं, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, वो ब्रीदिंग कैसे करते हैं। तो बच्चों ये वाटर है, वाटर के अंदर देखो ये बच्चों का डायग्राम, खैर वाटर के अंदर ये मछली है बेटा, मछली कैसे ब्रीदिंग करती है तो मैं आपको बता दूं। हमारे इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो डिजोल्व होता है, जो घुलता है एटमॉस्फेयर में, जो ऑक्सीजन है बेटा वो भी पानी में जाके घुलता है। इस प्रोसेस को भी हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन गैस और इन वाटर, ऑक्सीजन वाटर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस वाटर के अंदर जो मिक्स्ड ऑक्सीजन है, जिसको हम बोलते हैं डिजॉल्व्ड O2, वो उतना तो हो नहीं पाता है, बहुत कम रहता है कि नहीं। लेकिन हाँ, इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं रहती है, इतने में इनका काम हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व हो चुका है, पानी में घुल चुका है, तो फिर ये सांस लेते कैसे हैं। तो बेटा इन फिश या एक्वाटिक एनिमल्स के पास, लाइक फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया, म्यूसल्स हो गया, ये सब जो एनिमल्स हैं ना, एक्वाटिक एनिमल्स पानी में रहने वाले, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग गिल्स। ये गिल्स होते हैं बेटा, गिल्स। आपने देखा रहेगा कि एक फ्लैप कवरिंग होती है यहाँ पे, ऐसा एक फ्लैप कवरिंग देखा रहेगा मछलियों को, वो कवर होता है, उस कवर को हम लोग बोलते हैं गिल कवर। क्या बोलते हैं बेटा? गिल की कवरिंग, गिल कवर बोलते हैं, ठीक है। तो उससे वो कवर रहता है, वो कवर जब हटाओगे तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जैसे ही ये वाटर, ये इसका माउथ है भाई फिश का, इसके माउथ के जरिए जैसे ही वाटर इंटर किया, ये जो वाटर है इसके माउथ के जरिए इंटर किया, इंटर करने के बाद हम में होता है लंग्स। याद रखिएगा, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स, दो लंग होते हैं ना। और फिश में क्या होते हैं, गिल्स। फिश में क्या होते हैं, गिल्स। तो ये इस गिल्स में इंटर किया, और ये गिल क्या करता है समझो, इट बिहेव एज अ स्टेनर।
मतलब छन्ना कैसा काम करता है, ये क्या करता है ऑक्सीजन को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर पानी को यहाँ से बाहर निकाल देगा, फिर पानी क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा गिल से, फिर बाहर निकल जाएगा पानी गिल से, पानी फिर बाहर चला जाएगा सराउंडिंग में। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी छान लेता है, यानी कि उस पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन घुला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी उसके साथ जो वाटर है उसको हम रिलीज कर देगा। तो इस तरह ये ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है बच्चा। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो एक क्वेश्चन भी है, पेज नंबर 105 इंडेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक्वाटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग का रेट ज़्यादा है जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जमीन पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीदिंग का रेट कम है, यानी कि ये बहुत तेज तेज सांस लेते हैं, इनका रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या बताया था, हम इंसानों में 12-20 ब्रीथ पर मिनट, बट इनमें बेटा ना 30 के आसपास ब्रीथ होता है, ब्रीथ जो होता है एक मिनट में 30 के आसपास, 30-35 टाइम्स ये एक मिनट में ब्रीथ करते हैं, मतलब हमसे ज़्यादा इनकी ब्रीदिंग का रेट है, बहुत फास्ट फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। तो क्यों, तो क्योंकि आप बोलोगे क्योंकि भाई वाटर में जो है ऑक्सीजन का अमाउंट डिजॉल्व फॉर्म में होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर के मुकाबले वाटर में ऑक्सीजन कम है, वो भी डिजॉल्व फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में है और इनको ऑक्सीजन लेना रहता है, तो क्या करते हैं फास्ट 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 ब्रीदिंग करते हैं, इनका ब्रीदिंग का रेट ज़्यादा होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके। हम एटमॉस्फेयर में हमको ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है, एकदम आराम से मिल रहा है, तो हमको ब्रीथ रेट ब्रीथ हमारे जो हमारी जो ब्रीदिंग की रेट है यानी कि ब्रीथ लेने का जो टाइम है वो कम है, यानी कि एक मिनट में हम 12 बार, हाँ अगर भागेंगे तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा हमको फिर हमारी ब्रीदिंग का रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा। 12-20 टाइम्स है वो मैक्सिमम हो सकता है, 20-25 हो सकता है, 26 हो सकता है कि ना। लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स में नॉर्मल ब्रीदिंग देखा गया वो टेरेस्ट्रियल से ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितना ऑक्सीजन है उतना ऑक्सीजन वाटर में नहीं है, और इसलिए इनको इनको क्या करना पड़ता है, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को लेना पड़ता है, और इसीलिए इनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है ज़्यादा होती है, है ना बेटा। लगेगा तो मैं देखूंगा इसका आंसर आपको, या तो यहीं पे लिख के दे दूंगा या तो आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखता हूँ जैसा भी रहेगा। ये समझ में आया कि ज़्यादा ब्रीदिंग फास्ट ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनको ऑक्सीजन कम मिलता है, हमारे मुँह डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए फास्ट फास्ट करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल देखो ना, अभी मुझे भागना है, मुझे भागना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूँगा ज़्यादा ऑक्सीजन लूँगा, तो देखो ना मेरी ब्रीदिंग की रेट बढ़ गई ना, एक मिनट में जहाँ मैं 20 बार ले रहा था 12-20 टाइम्स 25 हो गया, 26 हो गया, मेरा टाइम बढ़ गया, मतलब एक मिनट में मैं ज़्यादा बार ब्रीथ कर रहा हूँ, तो भाई इनको ऑक्सीजन कितना कम मिला है, तो ऑक्सीजन की कमी इनको ऑलरेडी बहुत है, तो ये इनकी ब्रीदिंग का रेट क्या होगा ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। खैर एक और क्वेश्चन बेटा आ सकता है कि मछलियों को जब पानी से बाहर निकालते तो वो मर क्यों जाते हैं, जबकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है भाई, 21% है, यहाँ तो बेचारे बहुत मजबूरी में गिल से काम चला रहे थे, गिल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे थे, वाटर को निकाल रहे थे, तो ऑक्सीजन का तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो मछलियों को फिर बाहर निकालते तो वो मर क्यों जाते हैं। तो बेटा होता क्या है ना, इनके पास गिल्स है लंग नहीं, जो लोग जमीन पर रहते हैं ना उनको लंग्स होता है, हमको खासकर जो मैं कॉम्प्लेक्स बॉडी की बात कर रहा हूँ, जो मल्टी सेलुलर हैं जिनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लाइक मैं इसके हम लोग हो गए ह्यूमंस डॉग्स कैट्स ये सब, तो इनमें जो लंग्स होता है ना बेटा, ये लंग्स आर यू कैन से वेरी गुड ऑर्गन, ठीक है, टू टेक टू डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी कि लंग्स एक बहुत अच्छा ऑर्गन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर एटमॉस्फेयर से करना हो तो, बट गिल नहीं है, गिल लंग्स की तरह ऑक्सीजन को लेके ब्रीदिंग नहीं करवा सकता है, तो इनके पास हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन क्या है, लंग है, जो एटमॉस्फेयर के लिए बेहतर है। लेकिन अगर यही हम भी पानी में चले जाएंगे तो फिर हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है, इसलिए अगर जमीन समुद्र की गहराई में जाते हैं तो उस गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन के, है ना, ताकि हम सांस ले सकें, ब्रीदिंग कर सकें। तो ये बाहर निकालोगे तो मर जाएंगे, हमको पानी में डाल दोगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि इनको अलग ऑर्गन है, इनको कौन सा ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, गिल्स, और हमको कौन सा ऑर्गन है बेटा, हमको है लंग्स। तो ऐसा समझ में आया रेस्पिरेशन इन फिश। अब मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म, ठीक है, रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। देखो अर्थवॉर्म की बात करूं या लीच की बात करूं, लीच ब्लड सकर, देखो ना जो हमारे ब्लड को सक करता है, जानते रहोगे आप लोग, तो उनमें क्या होता है, उनकी बॉडी वो स्किन से करते हैं, उनका अगर मैं बोलूं रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है तो स्किन, भाई इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है तो भाई गिल्स, भाई इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है तो भाई लंग्स, तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्किन, ये स्किन के जरिए
डिफ्यूजन करते हैं, मतलब जो भी बाहर ऑक्सीजन है डिफ्यूजन के जरिए, मैंने बोला डिफ्यूजन, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो इनके स्किन का जो लेयर है, जैसे मान लो ये स्किन है, यहाँ पे O2 ज़्यादा है तो डिफ्यूज हो जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, इनके स्किन के जरिए अंदर चला जाएगा और फिर अंदर ब्लड वेजन में चला जाएगा और उस ब्लड वेजल्स के जरिए बॉडी के पूरे पार्ट को मिल जाएगा। और फिर क्या होगा बेटा, फिर उसी ब्लड वेजल में उसकी बॉडी से चारों तरफ से CO2 आएगा और फिर उस CO2 इसी स्किन से बाहर निकल जाएगा। क्यों CO2 बाहर निकलेगा, क्योंकि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इसके बॉडी के अंदर ब्लड वेजल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो CO2 बाहर निकलेगा और O2 अंदर आएगा। तो जो अर्थवॉर्म है या आपके लीच, ये सब कैसे करते हैं बेटा ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, तो स्किन के जरिए। यहाँ तक क्लियर है, फटाक से स्क्रीन शॉट लो, इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। ओके, अगर मैं बेटा ग्रास हॉपर, ठीक है, या कॉकरोच, इनकी अगर बात करूँ, मॉस्क्यूटो इनकी अगर बात करूँ बेटा, तो इनमें क्या होगा, इनमें होते हैं ना छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी होल्स। इस टाइनी होल्स को हम लोग बोलते हैं स्पैरिकल्स, ठीक है। तो स्पैरिकल्स, एयर ट्यूब्स है ना, एयर ट्यूब्स भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेटा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया, विंड पाइप। उस ट्रैकिया के जरिए फिर क्या होता है, इस होल के जरिए ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर अंदर ट्रैकिया विंड पाइप रहता है, विंड पाइप होता हुआ पहुँच जाएगा वो ब्लड वेसल्स में। जैसे मैंने आपको बताया हम ह्यूमंस में बेटा ये एल्बुलाई होता है, एल्बुलाई है ना, लंग्स के अंदर एल्बुलाई। इस एल्बुलाई के बाहर क्या होता है, इस एल्बुलाई के बाहर ब्लड वेसल्स होते हैं। मान लो यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, पूरा ऐसा ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, RBC। और ऑक्सीजन जो है बेटा, ऑक्सीजन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन को इस हीमोग्लोबिन से बहुत प्यार होता है, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जैसे ही इसको हीमोग्लोबिन मिलेगा, ये बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा और डिफ्यूज होने के बाद इसमें हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा और फिर हीमोग्लोबिन में चिपक जाएगा ऑक्सीजन, फिर ब्लड वेजल होता हुआ बॉडी के पूरे सेल तक पहुँच जाएगा, याद रखना, अगर गलती से बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड से उतनी मोहब्बत नहीं जितना ऑक्सीजन से, लेकिन हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अगर ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिलता है, अगर उसको किसी चीज़ को आप जला रहे हो और ऑक्सीजन नहीं मिला, यानी कि मान लीजिए आप बंद कमरे में किसी चीज़ को जला रहे हो तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहाँ से स्मोक निकलेगा, उस स्मोक में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, जहरीला गैस। इवन जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, इंजन जिनका बहुत पुराना होता है, उसमें पेट्रोल अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से मिलता नहीं है, तो वहाँ से ब्लैक ब्लैक एकदम काला काला धुआं निकलता है, उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड आप ब्रीथ कर रहे हो तो ऑक्सीजन की जगह वो बाइंड कर लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को और बॉडी के पूरे सेल तक पहुँचा देगा कार्बन मोनोऑक्साइड और पूरा आपको इन्फेक्शन हो जाएगा और मरमरा सकते हैं भाई, स्वर्ग सिधार जाएंगे। इसीलिए इस बात का भी ख्याल रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो इसीलिए अगर कहीं पे इस तरह के जहरीली गैस छोड़ी जा रही हो तो वहाँ पे रहना सही नहीं है। ज़्यादा टाइम तक अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करोगे तो इट लीड्स टू डेथ, बाकी कुछ नहीं। बाय द वे, तो इसमें भी ब्लड वेजल्स होते हैं, उस ब्लड वेजल्स के जरिए क्या होगा बेटा, बॉडी के पूरे पार्ट में ऑक्सीजन पहुँच जाएगा। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो है सेल तक जो पहुंचता है वो डिफ्यूजन के जरिए नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन के जरिए, याद रखिएगा। जो भी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ये भी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, बट यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ये डिफ्यूजन से पूरी नहीं होती है। हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं तो इसके लिए हीमोग्लोबिन चाहिए रहता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है, याद रखिएगा। एल्वियोलाई से ब्लड वेजल में तो डिफ्यूज होता है ऑक्सीजन, लेकिन इसके बाद जब सेल तक जाना है, मान लो यहाँ पे सेल है, ये हाथ का, मेरे हाथ का सेल है, तो यहाँ तक अगर जाना है ऑक्सीजन को लेकर के, तो भाई साहब हीमोग्लोबिन की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये ग्रास हॉपर में होता है बच्चों, ठीक है, कॉकरोच में होता है। और अगर मैं बात करूँ, मान लो मैं बात कर रहा हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर, लाइक मैं बात कर रहा हूँ अमीबा की, अमीबा। अब अमीबा में कोई टेंशन नहीं है, अमीबा में आप आराम से डिफ्यूजन के जरिए भेज सकते हो, डिफ्यूजन यानी कि ये अमीबा है भाई, अमीबा कैसा ही बना दो, बस को बस ऐसा शार्प नहीं निकलना चाहिए, बाकी कैसे भी आप डायग्राम बनाओ इसका कोई भी शेप फिक्स नहीं है, ये अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या करेगा, अपने स्किन से ही डिफ्यूजन करेगा, ऑक्सीजन है एटमोसफेयर में, ठीक है, इसके स्किन से ऑक्सीजन जो होगा वो अंदर जाएगा,
अंदर जाएगा, और इसके स्किन से ही भाई, इसके स्किन से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चुपचाप बाहर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि अमीबा कैसे ब्रीदिंग, कैसे रेस्पिरेशन करता है, तो भाई ये अभी अपने स्किन से करता है। इसमें एक ही सेल होता है, एक ही सेल वाला ये ऑर्गेनिज्म है, उसी सेल से ये ऑक्सीजन को इनहेल भी करता है और उसी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल भी करता है। यानी कि अमीबा भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखो काफ़ी डिटेल में लेक्चर में, मेरे लेक्चर का लेंथ बड़ा होगा बच्चों, लेकिन बहुत काम की चीज़ें, एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा कि अमीबा भी क्या कर रहा है। जो यूनिसेलुलर है वो भी सांस ले रहा है, वो भी ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है, ठीक है। पूरा पूरा डिफ्यूजन, मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक ही सेल है, आराम से ऑक्सीजन पूरे में स्प्रेड हो गया और आराम से पूरे में से CO2 बाहर आ गया। लेकिन अगर यही बात करूँ मैं ग्रास हॉपर की, कॉकरोच की, अर्थवॉर्म की, फिश की, ठीक है ना, इसके अलावा हम एनिमल्स की, तो बेटा जी हाँ यहाँ पे डिफ्यूजन काम नहीं करने वाला है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वाई डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशियंट इन लार्ज एनिमल्स लाइक ह्यूमन्स। कि ह्यूमन्स में जैसे लार्ज एनिमल्स जो बड़े एनिमल्स हैं उनमें डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन के डिफ्यूजन से क्यों नहीं हो पाते रेस्पिरेशन, बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस इज इनसफिशियंट फ्रॉम डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के डिफ्यूजन से क्यों नहीं उसको ऑक्सीजन बराबर अमाउंट पे मिल पाता है। मैंने बताया कि अगर डिफ्यूजन के वजह से, डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है, अगर हमारी बॉडी में डिफ्यूजन होगा तो लंग से लेके टो तक, हमारे पैर के छोटे छोटे टो जो हिस्सा है, यानी कि हमारे पैर का सबसे नीचा वाला पार्ट, वहां तक ऑक्सीजन को जाने में 3 साल लग जाएंगे। इसीलिए डिफ्यूजन नहीं होता है बल्कि एक कैरियर होता है, एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन जिसका नाम है, जो ऑक्सीजन को आराम से ढो के लेके जाता है ना, एक रेलगाड़ी है जिसके बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया बच्चों। ये हो गया, अगर तो ये हमारा अमीबा में भी हो गया रेस्पिरेशन। तो इस तरह रेस्पिरेशन यार सब में देख लिया हमने, एनिमल में, फिश में देख लिया, ग्रास हॉपर में देख लिया, अमीबा में देख लिया, अर्थवॉर्म में देख लिया। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उसके बाद मैं बात करूंगा सेलुलर रेस्पिरेशन की। कि हमने ब्रीदिंग तो कर ली, ऑक्सीजन तो पहुंच गया, लेकिन वो फूड और ऑक्सीजन कैसे मिक्स होता है और एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है और उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिखना है तो इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। चलो अब बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। आप थोड़ा हैरान हो गए कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन, मतलब हमको नॉर्मली लगता था कि सिर्फ लीफ करता, क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों न्यूट्रिशन में कि लीफ जो होता है उस लीफ में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, है ना। उनका नाम क्या है बेटा, उनका नाम है स्टोमेटा, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा। उसके जरिए हमने देखा था कि CO2 भी अंदर जाता है ना। CO2 क्यों अंदर जाता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस का मतलब खाना का बनना। वो खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और H2O रूट के जरिए, है ना, प्लांट्स का जो रूट होता है जमीन से वो पानी लेता है और लीफ तक पहुंचाता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं ये, इसको बनाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज और O2 रिलीज करते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ H2O भी रिलीज होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं, यानी कि कुल मिला के फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है और O2 जो है वो रिलीज होता है, O2 जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि प्लांट्स में सिर्फ लीफ ही नहीं बल्कि रूट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, रूट भी ब्रीदिंग करते हैं, इसके अलावा इसका जो स्टेम है ये भी ब्रीदिंग करते हैं, इसके ब्रांचेस भी ब्रीदिंग करते हैं स्टेम, और इसमें जो लीफ है बच्चा वो तो ब्रीदिंग करता ही है, वो तो ब्रीदिंग करता ही, ठीक। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि किस तरह रूट ब्रीदिंग करते हैं। रूट की अगर मैं बात करूँ ना बच्चा, तो रूट में छोटे छोटे रूट्स हेयर्स होते हैं, जैसे मैं रूट को थोड़ा सा और बनाऊँ, तो ये रूट है, ठीक है। इस रूट में बच्चों आपने देखा रहेगा छोटा छोटा सा पतला, ये तो मोटा हो गया काफ़ी, इसे पेन, इस पेन से बनाता हूँ, ऐसे पतले पत्ते आपको देखेंगे, यहाँ पे रूट हेयर दिखेंगे, पत्ते, ठीक है। और ज़मीन में क्या है भाई, मिट्टी में है सॉइल, ठीक है, यहाँ पे सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी में सॉइल के बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, उस गैप के अंदर बेटा होता है एयर, याद रखना, सॉइल पार्टिकल जो होता है उसमें गैप होता है, ठीक है, उस गैप के अंदर होता है एयर और उस एयर के अंदर होता है ऑक्सीजन,
एयर के अंदर हो, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें ऑक्सीजन भी होगा। तो जो रूट होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स में जो गैप होता है वहाँ पे जो एयर होता है वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं और रूट को O2 प्रोवाइड करते हैं। इस तरह रूट को मिल गया क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल गया, बस जिंदा रहना है। और यहाँ पे बेटा प्लांट्स में याद रखिएगा डिफ्यूजन होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपने बोला जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें डिफ्यूजन नहीं होता, जैसे अमीबा में डिफ्यूजन था, हुआ, लेकिन लार्ज एनिमल में बहुत सारे सेल्स हैं और हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना डिफ्यूजन से नहीं किया जा सकता, उसके लिए हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है कि नहीं, ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो सर प्लांट्स में भी ऐसा ही होता होगा? नहीं बेटा, प्लांट्स में पूरा पूरा रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के जरिए होता है। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि प्लांट का एरिया बहुत लार्ज होता है, हमारा एरिया और वॉल्यूम, एरिया जो है हमारा लार्ज है उसके तवर से वॉल्यूम भी ज़्यादा है, जगह भी हम ज़्यादा छेक रहे हैं, लेकिन प्लांट में बहुत ज़्यादा जगह खाली होता है, यानी कि उसका सरफेस एरिया बहुत लार्ज और वॉल्यूम भी उसका बहुत लार्ज होता है। तो सरफेस एरिया बहुत, ये समझो कि इसमें बहुत ज़्यादा खाली जगह होता है, मतलब अगर आप डिफ्यूजन कर रहे हो ऑक्सीजन, ऐसे डिफ्यूजन का मतलब क्या, ऐसे स्प्रेड करना है, फैलाना, ऑक्सीजन अगर दे रहे हो तो आराम से उसमें बॉडी के हर सेल में चला जाता है। और उसके अलावा रूट कर रहा है, देखो ना, रूट, रूट को चाहिए ऑक्सीजन, तो रूट खुद कर ले रहा है रेस्पिरेशन, तो फटाक से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए आया, रूट को मिल गया, ये लो इसको भी। हर एक रूट ने क्या किया, अपना अपना सॉइल से एयर लिया और अपना डिफ्यूजन कर लिया, इसको जरूरत नहीं। अब बात हुई स्टेम की, तो स्टेम की अगर मैं बात करूँ, अगर मान लो ये स्टेम वूडी है, ये स्टेम वूडी है, हार्ड है, तो इसमें इसके बार्क पे बेटा, बार्क यानी कि जानते हो ना छाल, प्लांट्स के बार्क ऐसे छाल जो निकलता है, ठीक है, तो उस बार्क पे, उस छाल पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स, इसके जरिए वो सांस लेते हैं, इसके जरिए, लेंटिसेल्स के जरिए एटमोसफेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, इस लेंटिसेल्स के जरिए ऑक्सीजन को वो लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो देखो ना, स्टेम को कहाँ से मिल गया, एटमॉस्फेयर से, रूट को कहाँ से मिला, मिट्टी में जो एयर गैप था वहाँ से एयर मिला, इसको एटमॉस्फेयर से एयर मिला। इसके अलावा अगर मान लो मैं बोलूँ हर्बेसियस प्लांट, हर्बेसियस का मतलब क्या होता है, हर्ब, जड़ी बूटी, हर्ब्स, उसमें देखोगे ना तो उसका जो स्टेम होता है ना बेटा, वो वुडी नहीं होता है, मतलब उसमें लकड़ी नहीं होता है या हार्ड नहीं होता है, एकदम सॉफ्ट होता है वो, तो उसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स स्टोमेटा होते हैं, जो लीफ पे होता है स्टोमेटा बेटा, टाइनी पोर्स। तो हर्बेसियस प्लांट्स में स्टेम में, स्टेम में क्या होता है बेटा, स्टोमेटा, स्टोमेटा इज अ टाइनी ओपनिंग बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, यानी कि O2 अंदर जाएगा, CO2 निकलेगा, यहाँ भी O2 अंदर जा रहा है और CO2 निकलेगा, O2 का कॉन्सेंट्रेशन मिट्टी में ज़्यादा है जहाँ पे गैप है, इसीलिए O2 डिफ्यूज हो गया इसमें रूट हेयर, रूट में, रूट हेयर के जरिए, और रूट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा से कम की तरफ भागेगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रूट में हो गया तो फटाक से डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ, मिट्टी में, जमीन में। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से एयर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो लेंटिसेल्स के जरिए अंदर डिफ्यूज हो गया, और इसके अंदर CO2 ज़्यादा है और बाहर CO2 कम है तो बाहर डिफ्यूज हो गया, ठीक उसी तरह हब से, हब इसमें स्टोमेटा के जरिए होगा, और लीफ में टाइनी पोर्स होते हैं तो लीफ में कैसे होता है, स्टोमेटा के जरिए, यानी कि स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन भी अंदर जाता है, फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। यानी कि यार सर प्लांट CO2 भी लेता है और O2 भी लेता है। हाँ बच्चा, प्लांट CO2 भी लेता है और O2 भी लेता है। आपने सुना नहीं है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना, बहुत सारे बोलते भूत आता है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, सही बात है, क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ के नीचे रात में अगर आप सोएंगे तो प्लांट जो है ना रात के टाइम में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी कि आप ऐसा बोलो कि रात के टाइम में प्लांट CO2 ज़्यादा छोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट दिन में CO2 नहीं छोड़ता है, जिस तरह हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं उसी तरह प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अब बोलोगे सर आप कन्फ्यूज कर रहे हो, पागल बना रहे हो, आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया है, फोटोसिंथेसिस में, थोड़ा फास्ट हो रहा है तो धीरे से बोला, फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया है कि आप, हम CO2 लेते हैं बेटा, ये खाना बनाने के लिए लेते हैं, ये इनका खाना है, इनको भी सांस लेना है ना, रेस्पिरेशन के लिए ये भी ऑक्सीजन लेते हैं। अब सुनो मेरी बात, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, प्लांट दिन के टाइम में, डे टाइम में, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन इसने लिया दिन के टाइम में, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर रहा है, ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ दिया, CO2 छोड़ो,
अब ये जो CO2 छोड़ा, ये CO2 का इस्तेमाल, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ही खाना बनेगा, हम जानते हैं ग्रीन प्लांट्स में, तो दिन ही में लाइट रहेगी, तो दिन में इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खाना बनाने के लिए, तो जो CO2 ये छोड़ता है इसी CO2 का इस्तेमाल कर लेगा किस चीज में, फोटोसिंथेसिस में, खाना बनाने में। अब रात के टाइम में क्या हो रहा है, देखो रात के टाइम में, नाइट ड्यूरिंग नाइट, रात में फिर से ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है, लेकिन इस CO2 को ये वापस से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो CO2 का इस्तेमाल नहीं हो पाया, CO2 का इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा क्या है, CO2, ये ऑक्सीजन जितना लेगा सब ऑक्सीजन लेगा, पट रेस्पिरेशन कर रहा है, तो एटमॉस्फेयर में उसके आजू बाजू जो भी ऑक्सीजन है ज्यादा ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन ज्यादा ले लेगा और CO2 ज्यादा छोड़ेगा। यहां पे ऑक्सीजन छोड़ रहा था, यहां ध्यान दो, यहां पे ऑक्सीजन ले रहा था और CO2 छोड़ रहा था, फिर से इस CO2 को ले रहा था, और फोटोसिंथेसिस करके O2 छोड़ दे रहा था। तो देखो ना, O2 दो मतलब O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स हमको O2 देते हैं, क्योंकि देखो ना, इसने ये ऑक्सीजन पहले लिया, फिर CO2 छोड़ा, फिर इसी CO2 का इस्तेमाल करके वापस O2 दिया, O2 दे दिया ना वापस, दो मैं बोल रहा हूँ, नॉट दो एक, O2 लिया पहले, ऑक्सीजन लिया, CO2 छोड़ा, लेकिन इस CO2 का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन दे दिया, तो CO2 का इस्तेमाल इसने किया, अरे मान लो पूरा नहीं किया, आधा किया या 70% किया, जितना भी किया, कहीं ना कहीं CO2 O2 से कम हो गया ना, तो ऑक्सीजन ज़्यादा, CO2 कम, तो ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ, उसी ऑक्सीजन कम लेते हैं। रात के टाइम में क्या हो जाता है कि ये ऑक्सीजन ले तो रहा है और CO2 छोड़ रहा है, लेकिन वापस इस CO2 का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गया, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा, तो हमको तो CO2 नहीं चाहिए, CO2 तो हमारे लिए पॉइजन है, नुकसान है, प्रॉब्लम है, तो अगर CO2 हम कंटिन्यूअस फॉर्म में इनहेल करेंगे तो अलग अलग तरह की बीमारी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, इसीलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। आया समझ में? ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स किस तरह रेस्पिरेशन करते हैं और रात में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दिन में याद रखना, दिन में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है, रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। दिन में फोटोसिंथेसिस भी होता है क्योंकि लाइट रहती है, फोटो लाइट, रात में सनलाइट नहीं रहती है, तो रात में सिर्फ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन प्लांट या एनिमल पूरा टाइम, ऑल टाइम रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, ऑल टाइम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन 24 घंटे होते हैं, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन ऑल टाइम होता है और एनिमल में भी, लेकिन प्लांट में फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है और रात में रेस्पिरेशन भी होता है, दिन में भी और रात में भी, दोनों में भी रेस्पिरेशन दोनों टाइम पे होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट, बहुत सिंपल था बेटा, छोटा सा टॉपिक था। चलो अब हम फाइनली आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की, कि हमने ऑक्सीजन तो ले लिया और उस ऑक्सीजन को उस सेल तक भेज दिया जहाँ पे फूड था, अब उस फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा और एनर्जी कैसे रिलीज होगी, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब बात करेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन की, मतलब हमारे सेल में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। एक्चुअली रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जो हमारा खाना है फूड, बेटा फूड जो था वो फूड कहाँ पहुँच चुका था, न्यूट्रिशन के जरिए सेल तक पहुँच चुका था, डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होते हुए कहाँ पहुँचा, फूड सेल तक पहुँचा, जिसको हम एसिमिलेटरी फूड भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन ब्रीदिंग के जरिए नोज है ना, नजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेचिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई होता हुआ, ब्लड वेसल होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, उसी सेल में पहुँच जाएगा, उस सेल में ये फूड और ऑक्सीजन मिलके बेटा बनाएंगे एनर्जी, क्या बनाएंगे, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है इसलिए बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर ये चीज़ होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो बेटा, इस रेस्पिरेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
और एनरबिक का मतलब क्या, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी के रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के भी होता है। मतलब रेस्पिरेशन का मतलब यह हुआ द प्रोसेस टू ऑब्टेन एनर्जी, द प्रोसेस टू ऑब्टेन एनर्जी इज रेस्पिरेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिससे एनर्जी मिल जाए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, चाहे ऑक्सीजन से मिले चाहे बिना ऑक्सीजन के मिले। अभी हम दोनों देखेंगे, तो फिलहाल अभी मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ कि हमें बेटा हमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमने जो खाना खाया वो खाना कहाँ स्टोर हुआ, सेल के अंदर। ये सब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बात चल रही है, सेल के अंदर। अच्छा, उस सेल में मैंने बोला है कि फूड जो होता है बेटा वो ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है, सिंपल फॉर्म में। हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उस खाने को तोड़ते 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 किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। फिर वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल्स, और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। वहाँ से उसके जरिए कहाँ जाता है, वो ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल से फिर कहाँ जाता है बेटा, सेल में जाता है। तो उस सेल में ग्लूकोज क्या है बेटा, स्टोर्ड है, स्टोर्ड। तो ये ग्लूकोज फूड जो होता है किसके फॉर्म में, ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला लिखूं तो C6H12O6 ग्लूकोज, यानी कि सिक्स कार्बन वाला मॉलिकल्स होता है, कौन, ग्लूकोज हमारा। ये ग्लूकोज पहले बेटा उसी सेल में, ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलो, साइटोप्लाज्म बेटा हम जानते हैं ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ही, सेल बॉडी में ही क्या होता है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड, किसमें बच्चों, पाइरुविक एसिड। इसका एक और नाम है पाइरुवेट, पाइरुवेट, ठीक है। C3H4O3 ये कंपाउंड में टूटता है, किसमें, C3H4O3। जैसे मैं अगर लिखूं इसको CH3COCOOH, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको केमिस्ट्री याद है तो कार्बन कंपाउंड में मैंने पढ़ाया था CO ग्रुप को बोलते हैं कीटोन, और COOH इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH, या चुपचाप ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा था COOH, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको याद हो बेटा तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोनिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका एक और नाम बोल सकते हो आप, कीटोनिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बाय द वे C6H12O6 से क्या बना, C3, यानी कि सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, यहां से कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स बने, थ्री कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स बने। कितने मॉलिक्यूल्स बने, तो देखो इसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी कि 2CH3C4O3, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल दो दो बनते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ना, ये देखिए, ये C3H4O3 इस तरह इसके दो मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, किसके, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ठीक है। ग्लूकोज सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं और उससे क्या मिलता है, थ्री कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं, पाइरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा, तो ग्लूकोज यानी कि फूड जो था बेटा वो पहले पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसके बाद जब इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, हमारे साइटोप्लाज्म, हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, जानते हो ना माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। तो ये पाइरुविक एसिड और ये ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएंगे बेटा, एनर्जी। अब यहीं से एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी, ठीक है। आपको पता है ये एनर्जी का काम क्या है, अब मैं बताता हूँ, एक चीज़ पहले सुन लो। एक टर्म होता है बेटा ATP, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, क्या, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और एक टर्म होता है ADP, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, समझो क्या है, ये एक प्रोटीन है, समझो एक प्रोटीन है। अब इससे क्या होता है, इट एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी, ये एक एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी। व्हाट इज करेंसी, पैसा।
पैसा दोगे तो कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। वैसे हमारे बॉडी पूरे बॉडी में एटीपी एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का रूप है, कि ये एनर्जी हर जगह इस्तेमाल होता है। मतलब कोई भी सेल इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी दुकानदार पैसे को एक्सेप्ट कर लेगा। कागज लेके जाओगे या कोई दूसरी चीज़ लेके जाओगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन पैसा जिसको करेंसी बोलते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हर दुकानदार यानी कि हमारे बॉडी का हर सेल इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो ये जो एनर्जी बनती है ना बेटा, ये एनर्जी कन्वर्ट होती है इस एटीपी में, एटीपी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन एटीपी एक ऐसा एनर्जी है जिसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए हम एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। अब एक तरह का एक प्रोटीन है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, क्या? एडीनोसिन। एडीनोसिन एक तरह का एनर्जी है जिसमें तीन फॉस्फेट जुड़ा होता है। फॉस्फेट क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ाया हूं बेटा, PO4, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से बना एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। तो इसको पी से दिखाते हैं हम लोग, फॉस्फेट को पी से ऐसे लगा होता है। ये हो गया तुम्हारा एटीपी, एटीपी, और एटीपी में क्या होगा बेटा, ये एडीनोसिन और यहां पे इससे दो ही पी जुड़े होंगे। तो इसमें जो है ना इसका एनर्जी ज्यादा है, हाई एनर्जी कंटेंट, और ये जो है ना इसमें लो एनर्जी होता है। एटीपी जो होता है बेटा वो लो एनर्जी कंटेंट होता है, इसमें एनर्जी कम होता है। तो अभी ये सेल है, ठीक है, इस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि पाइरुविक एसिड से ऑक्सीजन जुड़ रहा है और बना रहा है CO2 और एनर्जी। CO2, ये CO2 बेटा ब्लड वेसल्स के जरिए जाएगा एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई में CO2 डिफ्यूज हो जाएगा, फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंग्स और फिर नेजल चैम्बर और फिर नोज से होता हुआ निकल जाएगा। और जो एनर्जी है, ये एनर्जी इसका क्या काम है, इस सेल के अंदर पहले से मौजूद रहता है ADP, लो एनर्जी कंटेंट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो IP होता है ना इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी कार्बन नहीं है और इस एडीनोसिन में बहुत सारे कार्बन है, इसलिए चुपचाप फॉस्फेट बोला। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब PO4 जो है ना वो बस अकेला है, उसमें कार्बन नहीं है, कार्बन रहता है तो ऑर्गेनिक, नहीं रहता है तो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो समझो ना यार, एक ADP और IP कोई चीज है जो सेल के अंदर रहती है, जैसे ही ये एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी जैसे ही इनको मिला, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों ADP और IP आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं ATP। क्या बनाते हैं बेटा? ATP, ये एनर्जी है, एनर्जी करेंसी बना देते हैं। मतलब अब ये ADP और IP क्या बन जाता है? ATP बन जाता है, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके। जो एनर्जी रेस्पिरेशन में सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि फूड ऑक्सीडाइज हो गया और एनर्जी रिलीज किया, ये एनर्जी जब ADP और IP को मिलती है, यानी कि ADP, IP और एनर्जी मिलके क्या बनाते हैं? ATP। और यहाँ पे बेटा 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 38 ATP, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन मिलता है हमारे खाने को। सबसे पहले तो खाना टूट जाता है पाइरुविक एसिड में, और ये जो पाइरुविक एसिड है इसको ऑक्सीजन मिलता है और इसके ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी पैदा होती है, लेकिन वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज नहीं करती है, बल्कि उस एनर्जी का इस्तेमाल करती है ATP बनाने में। ATP किसकी मदद से? ADP और IP और एनर्जी की मदद से। 30 पहले से ADP IP रहता है तो पहले से क्यों नहीं वो जुड़ जाता है? क्योंकि एनर्जी नहीं मिलती है, जैसे ही एनर्जी दोगे तो ये जुड़ेंगे, है ना? दो पिछड़े हुए दोस्त हैं, हमने जाके सुलह कर दिया, हम एनर्जी सुलह कर दिया, अब ये दोनों साथ हो गए। और 38 ATP एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, याद रखेगा, हमेशा बोलेंगे एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। हमारे बॉडी में एनर्जी अब स्टोर्ड हो गई, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, ATP के फॉर्म में एनर्जी। अब मान लो इस हमको जैसे मेरे हाथ को ऐसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है, एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी मिलेगी कैसे? अब ध्यान से सुनना वो एनर्जी मिलेगी कैसे, यहां बताता हूं। वो जो ATP है, ATP उसमें क्या बोला मैंने, एडीनोसिन और तीन फॉस्फेट है, ठीक, तीन फॉस्फेट। अब मुझे चाहिए एनर्जी, तो जैसे ही इस हाथ को एनर्जी देना है, बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ये मूव कर रहा है, देखो अभी मैं मूव कर रहा हूं, तो कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा हमारा सेल क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, इसके बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी कि एक फॉस्फेट को तोड़ देगा, फचाक टूट गया। अब ये बन गया ADP
और क्या बना आईपी, ये फास्फेट अलग हो गया ना, कार्बन नहीं है फास्फेट में, तो इनऑर्गेनिक फास्फेट जस्ट उसका अपोजिट। थोड़ी देर पहले क्या देखा था एडीपी और आईपी, और एनर्जी इसमें कौन सा वो वाला एनर्जी लिया था तब एटीपी बना था। सेम उल्टी कहानी हो रही है, एटीपी जो है उसमें से एक बॉन्ड टूट जा रहा है, इनऑर्गेनिक फास्फेट अलग हो जा रहा है और एडीपी बन जा रहा है, और साथ में एनर्जी रिलीज कर रहा है 30.5 किलो जूल पर मोल, 30.5 किलो जूल इतनी एनर्जी वो रिलीज करता है। और फिर इस एनर्जी से हम अलग अलग काम करते हैं, हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या जो भी काम हो हमारे बॉडी को, जो भी काम करना हो वो सारे काम हम इसकी मदद से करते हैं। आया समझ में? तो चाहे वो प्रोटीन का बनाना हो, मसल्स का कनेक्ट करना हो, या हमारे बॉडी के नर्व्स को इंपल्स पहुंच, कुछ भी काम करना हो बॉडी को तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो इस तरह से एनर्जी मिलेगी। और फिर सेल का ऑक्सीडेशन होता रहेगा, कंडोस्पर्म में एनर्जी मिलता रहेगा, एनर्जी स्टोर होता रहेगा एटीपी के फॉर्म में, और जब जरूरत रहेगी वो एटीपी टूट के एनर्जी रिलीज करता रहेगा, इस तरह हमको एनर्जी मिलेगा। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये पूरी बात हमने किसकी की, एरोबिक की, एरोबिक की। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ूंगा। डन, चलो चलो एन एरोबिक की बात कर रहे हैं हम। अभी एन एरोबिक क्या है बेटा, तो देखो बिना ऑक्सीजन के, जैसे मैं बात करूं कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको पता है फंगाई, फंगाई अरे रोटी पे जो लग जाता है, ब्रेड मोल्ड्स रोटी पे लग जाता है, देखो रोटी वाइट वाइट हो जाता है, बासी रोटी पे लग जाता है ना, फंगाई बोलते हैं उसको, ब्रेड मोल्ड्स। तो फंगाई में एक टाइप है जो यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का होता है, उसका नाम है बेटा ईस्ट, ईस्ट। और हम जानते हैं ये बेकर्स ईस्ट में भी होता है, मार्केट में जो मिलता है बेकर्स ईस्ट, जिसको डालने से पूरी फूल जाती है, या ढोकला बनाए ढोकला फूल जाता है, है कि नहीं? अच्छा क्यों फूलता है उसका जवाब भी देखो यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो फंगाई जो ईस्ट होते हैं ना, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहता है। अभी देखो ना, जो ग्लूकोज था हमारा C6H12O6, उस ग्लूकोज में हमने क्या किया, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट हुआ वो हमारे साइटोप्लाज्म में, किसी के भी सेल में वो कन्वर्ट हुआ पाइरूविक एसिड में या पाइरूवेट में, ठीक। अब ये पाइरूवेट में यहां पे उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब आप बोल दो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये पाइरूवेट जब रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि एक्चुअली इसको बोलते हैं प्रोसेस को फर्मेंटेशन, सड़ना बोल लो आप, फर्मेंटेशन होना, कोई चीज सड़ती है तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, मान लो, है ना, समझने के लिए, फर्मेंटेशन सड़ रहे है ना, शुगर मॉलिक्यूल है, मीठा मॉलिक्यूल है। देखो इसके बारे में एक्टिविटी भी था, जो मैंने बताया था 6.5 एक्टिविटी, क्या बोल रहा था, उसमें ग्लूकोज का मिक्सचर ले लो, चीनी का मिक्सचर ले लो, क्योंकि चीनी में होता है ग्लूकोज, और उसमें ईस्ट डाल दो, है ना, चीनी का मिक्सचर ले लो, उसमें ईस्ट डाल दो, और उसमें एक डिलीवरी ट्यूब डाल दो, और यहाँ पे क्या डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, लाइम वाटर डाल दो। और हम जानते हैं लाइम वाटर में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा क्या बनेगा, इट टर्न्स मिल्की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, क्यों भाई, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट कलर का होता है, यानी कि इट टर्न्स मिल्की। इसमें क्या है, इसमें शुगर है और ईस्ट मिला है, तो ये रिलीज करता है CO2 बेटा। तो अब्सेंस ऑफ O2 में क्या करता है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इथेनॉल बनाता है, C2H5OH इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल अल्कोहल बनाता है। जी हाँ, वही अल्कोहल, दारू शराब बोल लो, इथेनॉल, इसका एक और नाम है इथाइल अल्कोहल। जी हाँ, इसी का इस्तेमाल किया जाता है शराब बनाने में। तो यहाँ पे क्या बना, इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और एनर्जी बनी। ये एनर्जी फिर से क्या होगा बेटा, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगा, है ना, एडीपी और आईपी पहले से होता है सेल में, उससे बनाएगा एटीपी। तो यहाँ पे 2 ATP बनता है, एटीपी के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, तो बहुत कम मिलता है। तो क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन था एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन होता है इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वो फर्मेंट हो जाता है, सड़ जाता है, तो ऑक्सीजन एनर्जी जो है वो बहुत कम बनता है, एटीपी के फॉर्म में बहुत कम एनर्जी बनता है ना। आपको पता है गाँव में एक पाम ट्री होता है, पाम ट्री, तार का पेड़ बोलते हैं उसको, है ना, और उसमें से एक जूस निकलता है, देखो लोग आप छोटा छोटा मटका रखे रहते हैं उन लोग उस पर लटका के, बिहार यूपी में आपको ज़्यादा दिखेगा वो पेड़, तो वहाँ पे पाम ट्री में ऐसे लटका के रखते हैं गैलन,
ठीक है, और उसके ब्रांच को, उसके स्टेम को, जो प्लांट का जो स्टेम होता है मेन, उसको ऐसे काट के रखते हैं चाकू से, उसके वहाँ से जूस निकलता है वाइट वाइट, उस जूस को जो वो जमा करते हैं, पता है वो जूस भी अल्कोहल है, ताड़ी, उसको ताड़ी बोलते हैं, ताड़ी कभी सुना रहेगा। तो वहाँ में क्या होता है बेटा, उसमें भी ग्लूकोज रहता है उसके अंदर, वो पायरूवेट में टूटता है, ठीक है, और वो क्योंकि ऑक्सीजन उसको बराबर अमाउंट पे नहीं मिल पाता है, इसलिए वो बना देता है अल्कोहल। अल्कोहल चूंकि नहीं बनाने का रीज़न ये कि उसमें ईस्ट आ जाता है, एक्चुअली सही बात तो ये है कि उसमें ईस्ट आ जाता है, तो जैसे उसके अंदर ईस्ट आएगा, वो बैक्टीरिया आएगा, तो क्या होगा, वो बना देगा अल्कोहल, इसीलिए वो ताड़ी पीने के बाद लोग झूमने लग जाते हैं ना, झूम बराबर झूम सारा भी। चलो तो वही अल्कोहल की बात थी। तीसरा बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक और है, जिसको आप एनारोबिक पूरी तरह मत बोलो, आप ऐसा बोलो लैक ऑफ O2, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब, क्या, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होती है तब, तब क्या होता है भाई, तो देखो C6H12O6, फिर से वही कहानी, पायरुवेट C6H12O6 साइटोप्लाज्म में फिर से बनेगा पायरुविक एसिड। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। अभी देखो ना, मान लो मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, है ना, या रनिंग कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर ली, मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और मुझे क्या ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, मान लो अभी बहुत ज़्यादा इस पे वेट उठा रहा हूँ मैं और बार बार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, बराबर, तो कमी होने की वजह से क्या करता है बेटा, ये पायरुविक इसके सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और बनाता है 2 ATP। देखो ना, एनर्जी एकदम कम बना और ये लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड का अगर फॉर्मूला मैं बात करूं तो CH3CHOHCOOH, इसको बोलते हैं बेटा अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका नाम क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ बच्चा, अगर केमिस्ट्री आपने मुझसे पढ़ा होगा तो ये सब आपके लिए बहुत आसान बात होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ C3 3 4 5 6, H6 और O 1 2 3, C3H6O3, है ना भाई, C3H3 4 5 6 और O3, ये हो गया हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। लैक्टिक एसिड बनता है और ATP के दो मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से आता है क्रैम्प, एसिड आ जाएगा यहाँ पे, एसिड आएगा तो तकलीफ होगी आपको, क्रैम्प आएगा, ठीक है, इसीलिए उस क्रैम्प को दूर करने के लिए क्या करते हैं, गर्म पानी से स्प्रे क्या करते हैं, उसको गर्म पानी लगा के इसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं, या गर्म पानी के अलावा मसाज करते हैं। अब वो गर्म पानी उस पर रखना या मसाज करने से क्या होता है, तो बेटा उससे मसाज करने से जो ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स के अंदर का मूवमेंट, या गर्म पानी रखने से ब्लड वेजल्स के अंदर जो ब्लड वेजल्स में क्या है, ब्लड है, ब्लड में क्या ऑक्सीजन है, तो उसका मूवमेंट बढ़ जाता है, उसका मूवमेंट फास्ट हो जाता है, तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आएगा तो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन की जहाँ कमी थी अब ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाएगी, पूरे अमाउंट में इसको ऑक्सीजन मिलेगा, तो फिर ये क्रैम्प दूर हो जाएगा। तो क्रैम्प क्यों आता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये कहाँ पे होता है, इन ह्यूमन मसल सेल, इन ह्यूमन मसल सेल। तो जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन, मसल के सेल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा बेटा, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और कमी हो गई तो फटाक से वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में और एनर्जी बहुत कम रहेगा, तो इसलिए क्रैम्प होगा, बहुत दर्द होगा, हॉट होगा हमको। तो कैसे दूर कर सकते हैं हम, गर्म पानी से, गर्म पानी उस पर बार बार लगाओ या गर्म पानी रख दो उस पर, रख दो मतलब गर्म पानी से उछल मत देना यार, मतलब तो नॉर्मल थोड़ा सा हॉट वाटर लेकर जो उसको मसाज करना हल्का 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 हल्का, है ना, क्यों करते हैं, क्योंकि मसाज करने से या हॉट वाटर से मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आएगा तो ऑक्सीजन की कमी थी वो पूरी हो गई, खत्म हो गई, तो आप ठीक हो जाओगे। खैर, ये समझ में आया बेटा, इस तरीके से एरोबिक और एनारोबिक, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में सबको एकदम एक चार्ट के फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है भाई, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार आया है कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि फूड का ऑक्सीडेशन एरोबिक और एनारोबिक कैसे होता है या किस किस तरीकों से होता है वो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऐसे लिखना, ग्लूकोज C6H12O6, तीन कार्बन मॉलिक्यूल्स, साइटोप्लाज्म में होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा और बनेगा पायरुविक एसिड,
पाइरूविक एसिड या बोल लो पाइरूवेट, यह इसका नाम है पाइरूवेट। और इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। यह पाइरूविक एसिड का फॉर्मूला क्या था बेटा? C3H4O3। इससे क्या होगा? अब यहां से बेटा जी देखो, तीन रास्ते। रास्ता नंबर वन, इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीजन मिलेगा तब ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O, है ना, वाटर भी निकलता है। अच्छा लगता है, मैंने इससे पहले वाटर शायद छोड़ दिया रहेगा, प्लस को कट कर लेना। CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP एनर्जी जो स्टोर होगा कितने के फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। और कितना ATP? 38 ATP, यानी कि ढेर सारा एनर्जी यहां पे मिलेगा। दूसरा, इन लैक ऑफ O2, जब ऑक्सीजन की कमी होगी, ये कहां होगा? ह्यूमन मसल सेल में। कहां होगा? जल्दी बोलो मेरे साथ, ह्यूमन मसल सेल में। बोले बेटा, ह्यूमन मसल सेल में। तो क्या बनेगा सर? यहां पे बनेगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लैक्टिक एसिड। फॉर्मूला क्या है भाई? C3H6O3, है ना, C3H6O3, चाहिए तो लिख लो लैक्टिक एसिड। और क्या मिलेगा बच्चा? और मिलेगा सर ATP के दो मॉलिक्यूल इन लैक ऑफ O2। तीसरा होगा इन अब्सेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। ये कहां होता है? ईस्ट में, सिंगल सेल वाला फंगा है या कुछ बैक्टीरिया में होता है। तो ये किसमें कन्वर्ट होंगे? ये कन्वर्ट होते हैं CO2 प्लस C2H5OH इथेनॉल अल्कोहल और 2 ATP, दो ATP मिले। और यही क्या हमारा? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। ठीक, तो ये दोनों आएंगे तुम्हारे एनएरोबिक में। ये आएंगे किसमें? एनएरोबिक में। और ये आएगा तुम्हारा एरोबिक में। हो गया, देखो ना, एरोबिक एनएरोबिक खेल दिया यार। यही तीन को खेल देना यार, कई बार बोर्ड एग्जाम में है, छोटे से चीज खिलवाड़ है कुछ है। तो ये है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, किस तरह हमारे बॉडी के सेल में रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी हम हासिल करते हैं। दिस इज द एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी ठीक है। तो पूरी तरह बेटा लेसन मैंने कंप्लीट किया, एकदम 100% कुछ भी नहीं छोड़ा है, कि कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। मैं जानता हूँ थोड़ा सा मेरा लेक्चर बड़ा हो गया होगा, लेकिन बेटा बहुत काम की चीज़ बताई। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फर्क है, शॉर्ट में देख लो। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ब्रीदिंग क्या था? फिजिकल प्रोसेस। एटमोसफेयर से बस ऑक्सीजन ले रहे थे, CO2 छोड़ रहे थे। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग जो है, इट इज अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन इज एक्चुअली रेस्पिरेशन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कौन इन्वॉल्व होता है भाई? ब्रीदिंग में हमारा इन्वॉल्व होता है नोज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, विंड पाइप, लंग्स। लेकिन रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग के लिए मेन ऑर्गन क्या है? मेन ऑर्गन है लंग्स। और रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? ब्रीदिंग तो लंग्स में होता है, और रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? सेल में होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। और भी बहुत सारे पॉइंट आप लिख दोगे कि भाई रेस्पिरेशन में अगर देखा जाए तो बहुत मेन एनर्जी जो होती है वो रेस्पिरेशन में मिलती है, लेकिन ब्रीदिंग में ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे आप पॉइंट्स बना सकते हो। उसी तरह एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्क कर लेना। एरोबिक में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, एनारोबिक में एनर्जी नहीं मिलती है। एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। एरोबिक में एनर्जी 38 ATP मॉलिक्यूल मिलता है, एनारोबिक में 2 ही ATP मिलता है।
एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है, एनारोबिक में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और इथेनॉल रिलीज होता है या इथेनॉल बनता है। देखो ना यार, इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे आप लिख दोगे। फिर भी अगर देखो वहाँ टाइम मिला तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना दूंगा एरोबिक एनारोबिक का, जो आपके लिए आसान हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।